Very good morning, all of you. We are going to start a chapter known as deposits. Fantastic chapter, बहुत जबरदस्त वाला concept वाला chapter है. एक भी second इधर उधर देखा दिक्कत हो जाएगा. ये दो class लगेगा मेरे को खत्म करने में. Today is the and next class में ये वाला chapter हम लोग खत्म कर देंगे. It's a two class small chapter. Ready? अब डिपॉजिट जो है वो सेक्शन 73 से लेकर के 76 है. सेक्शन 73 से लेकर के ये चलता है 76. पिलर के ठीक सटा हुआ जो बच्चा है वो ध्यान नहीं लगाना चाह रहा है तो क्लास से बाहर जा सकता है. कोई फोर्स करके नहीं बुलाएंगे. फोकस. सो पब्लिक डिपॉजिट का जो सेक्शन है वो है 73 से 76 ए. सेक्शन 73 टू 76 ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. वो सब में तो अपने डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट हम आपको बता दें, ये प्रोविजंस आने के बाद साफ साफ बोल दिया गया, नो कंपनी इज अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. 58 की गड़ा झंझट ही खत्म. नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. नो कंपनी इज अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76. मतलब जो पुराना कानून था वो बोलता था नहीं आप कर सकते हैं ये करके. नया कानून बोलता है आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते. हम लोग चाहेंगे कि कोई कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले ही नहीं एक्सेप्ट केवल और केवल एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76. नॉर्मल नोशन बच्चों का ये रहता है, नॉर्मल नोशन. जैसे अगर अभी हम तुमसे आकर के पूछते तुम भी यही बोलता, अभी भी वही बोलना जो तुम पहले बोलता. एज्यूमिंग कि ये एक लाइन तुमको नहीं पता जो भी हम बताए, तुमको जो पहले से पता था वो बोलो. प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, इनवाइट कर सकता है? नहीं. पब्लिक कंपनी नहीं कर सकता एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी. नॉर्मल नोशन लोगों का ये रहता है. प्राइवेट कंपनी तो डिसअलाउड है, प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड नहीं, प्रोहिबिटेड. इट कैन नॉट इन्वाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, बट पब्लिक कंपनी कैन. सेक्शन 73 पब्लिक कंपनी को भी मना कर दिया, बोला पब्लिक कंपनी में भी एलिजिबल पब्लिक कंपनी, बड़ा बड़ा पब्लिक कंपनी डिपॉजिट ले सकता है. हम लोग को, तुम लोग का बहुत चिंता है, लॉ मेकर्स को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया का बहुत चिंता है. सर कंपनी सेक्ट तो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, डिपॉजिट किससे लेगा? पब्लिक से, सिटीजन से. तो लॉ मेकर्स इतने घबराए हुए रहते हैं, इतने पैनिक मोड में रहते हैं, खासकर का अभी का जो इकोनॉमिक माहौल ऐसा है कि आए दिन कोई ना कोई डिफॉल्ट करता रहता है, आए ना कोई दिन जो है कोई ना कोई अपना हाथ खड़ा कर देता है बैंकक्रप्ट, तुम्हारा पैसा मैंने लिया था लौटाऊंगा नहीं. तो ऐसे माहौल में जनता का रक्षा सुरक्षा और बढ़ा दिया जाता है. और फिर क्या होगा, तुम लोग का पैसा कंपनी एक्सेप्ट कर लिया, कल को अगर कंपनी फेल हो गया तुम लोग खाली कंपनी को नहीं देगा, मोदी जी को देगा, सरकार को देगा. नहीं समझ आया कि मोदी जी ने हमको बचाया नहीं, ऑडिटर को गाली देगा, ऑडिटर ने कंपनी का पोल नहीं खोला पहले, मोदी जी को गाली देगा, मोदी जी के राज में ये सब क्या हो रहा है, कंपनियां बंद होते जा रही है, हम लोग रुपया मारते जा रहे हैं. इससे तो अच्छा है कि तुम लोग से रुपया लेने ही नहीं दे कंपनी को. एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी. एलिजिबल पब्लिक कंपनी मतलब आंडू पांडू कि बड़ा, नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ या फिर टर्नओवर कम से कम 500 करोड़, नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ या तो नेटवर्थ 100 करोड़ या फिर टर्नओवर कम से कम 500 करोड़. तो इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ और टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़, देन यू आर एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी. देन यू आर एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड यू आर अलाउड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. तब आप ले सकते हैं जनता से डिपॉजिट इफ यू आर एलिजिबल पब्लिक कंपनी. अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं और प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर अगर 500 करोड़ है या नेटवर्थ अगर 100 करोड़ है
तो भी मैं नहीं ले सकता, मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मैं तो प्रोहिबिटेड हूं, आउटसाइडर लोग से मैं डिपॉजिट नहीं ले सकता, खाली एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो बोलो नो कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। मतलब आउटसाइडर से हम लोग डिपॉजिट नहीं ले सकते एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एंड व्हाट इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, सेक्शन 76, सेक्शन 76 डिफाइन करता है एलिजिबल पब्लिक कंपनी को, हैविंग नेटवर्थ, हैविंग नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़ और या फिर टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़। मक्खन श्योर, मतलब वेरी श्योर, वेरी श्योर। हम ये चैप्टर पढ़ाने के पहले एक मस्त वाला जो है ना पूरा चैप्टर का समरी बना रहे हैं, तो नया तुम लोग उसको कॉपी में पहले उतार लो फिर समझेंगे। ध्यान से थोड़ा थोड़ा फास्ट ना, हालांकि ये चार्ट बुक में भी मैंने चार्ट बना रखा है बट इतना इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसी से हम लोग पूरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो बना लो। ममरिंग नहीं होना चाहिए, शांति से एकदम सीरियस मोड पर कॉपी करो।
Is it done? No. Done वाले बोलेंगे done? Wait वाले wait? Wait. जीवन का पूरा मजा लेकर के इन लोग कॉपी करते हैं. दो मिनट और है. Do it. Acceptance of deposits by एक क्या था eligible public company means a public company having net worth minimum 100 करोड़ या फिर turnover minimum 500 करोड़ ये भी दो प्रकार के होंगे non government company government company point number A point A is always maximum deposit from किससे members तो जहां जहां A दिखाई दे रहा है वो क्या है members और जहां जहां B दिखाई दे रहा है वो क्या है outsiders तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी पॉइंट नंबर है यानी मेंबर से ले सकता है 10% पॉइंट नंबर भी आउटसाइडर से 25% गवर्नमेंट कंपनी बोला यार हम मिला जुला करके 35% सबका पॉइंट भी देखो जीरो होगा क्योंकि मैंने ओपनिंग लेक्चर में क्या बोला नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स यानी जनरल पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक तो केवल एलिजिबल पब्लिक कंपनी का पॉइंट भी में कुछ भरा हुआ होगा बाद बाकी सबका भी देखो क्या है जीरो पब्लिक कंपनी 35 जीरो प्राइवेट कंपनी 100 जीरो आईएफएससी पब्लिक कंपनी 100 जीरो सर आईएफएससी प्राइवेट कंपनी कहां पर आएगा तो इसमें आ गया ना स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड बाय डीपीआईआईटी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड बाय डीपीआईआईटी डीपीआईआईटी वहीं फुल फॉर्म लिख देना डीपीआईआईटी का डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन बाद बाकी काम छोड़ करके पहले इसका फुल फॉर्म लिखो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड 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 मोदी सरकार ने स्टार्टअप लॉन्च किया था ना स्टार्टअप ये स्टार्टअप इंडिया
सुने हो स्टार्टअप इंडिया, ये सब किसका देना है? मोदी जी का देना है। तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया स्टार्टअप वगैरह के लिए, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पहले इसका नाम कुछ और था, डीआईपीपी था। तो आप जितना भी इंस्टीट्यूट का मैट, मेरा किताब नहीं बनवाया, सब जगह आपको डीआईपीपी दिखाई देगा। अब नाम चेंज हो गया और ये नाम तुम्हारे टर्म के लिए एप्लीकेबल है, नया नाम, ये नया नाम तुम्हारे टर्म के लिए एप्लीकेबल है। यानी नवंबर 19 या मई 20 में जिन लोग का एग्जाम है, ये नया नाम एप्लीकेबल है। मई 19 में जिन लोग का एग्जाम था उन लोग के लिए ये वाला नाम एप्लीकेबल था, डीआईपीपी। उसके बाद ये चेंज हो गया। इसका पुराना नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। क्या नाम बताओ तो? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। मत लिखो ना, पुराना नाम लिख करके क्या करेगा। बट डीआईपीपी हम शॉर्ट में लिखवा दिए हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का किताब में या कोई और दोस्त यार का कॉपी में तुमको अगर डीआईपीपी दिखाई देगा तो तुम उसको सही करवा देना, पक्का डीआईपीपी ही दिखाई देगा, उसको सही करवा देना 100% स्टैम्प पेपर में लिखवा लो, डीआईपीपी दिखाई देगा। डीआईपीपी अब क्या हो गया है, चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नया नाम का फुल फॉर्म लिखो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पुराना नाम क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ओके, अनलिमिटेड जीरो, प्राइवेट कंपनी सैटिस्फाइंग ऑल द थ्री कंडीशन, पॉइंट नंबर अनलिमिटेड, पॉइंट नंबर भी जीरो। तुमको पता नहीं चल रहा है तुम्हारा काम मैंने कितना लाख गुना आसान कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है उस चीज को। नहीं तो क्या है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी अलग है, पब्लिक कंपनी अलग है। प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग नियम है। ये भी तो प्राइवेट कंपनी है, इन लोग के लिए नियम अलग है। बट क्या ना, एक छत के नीचे सब दिखाई दे रहा है। जी डी कॉपी द डायग्राम, सबका कॉपी हो गया है यहां तक, आप अभी भी कॉपी कर रहे हैं भाई साहब, यू स्टिल कॉपिंग, रहने दो, अब रहने दो, दो चार बच्चा लोग प्लीज उसका कंप्लीट करो, तो उनको कॉपी बगल वाले को दो, कंप्लीट कर भाई उसका, ले ले उसे, उसको मत दे। इज इट डन? नॉट स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू, स्टॉप राइटिंग इमीडिएटली। मेरा पहला लाइन है, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स, यानी पब्लिक। नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्योंकि हम लोग क्या है ना, जनता को बचाना चाहते हैं, हम लोग पब्लिक कंपनी को भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने नहीं देंगे जनता से, क्योंकि हम लोग को डर है कि जनता का पैसा उन लोग मार देगा, अनलेस तुम बहुत बड़े पब्लिक कंपनी हो, यानी एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सो नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होता है, जैसा नेटवर्क मिनिमम 100 करोड़ था या टर्नओवर मिनिमम 500 करोड़, दो में से कोई भी एक है तो आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, आप आउटसाइडर से डिपॉजिट ले सकते हैं, और कोई नहीं ले सकता, खाली एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकता है। ये मेरा पहला पॉइंट। मेरा दूसरा पॉइंट है, ऑल द कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स By satisfying section 73, subsection 2, clause A से clause F। छह condition है section 73, subsection 2, clause A से clause F, छह condition है, उसमें से एक तो हट चुका, तो सर A से F क्यों बोल रहे हैं, तो बीच से हटा है ना, तो सर F क्या E बन जाएगा? नहीं, आप समझ ही नहीं रहे क्या? समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं कि अगर एक तो हट गया, डी हटा है, डी क्लॉज डी हटा है, तो ई क्या डी बन जाएगा? बस खाली डी हट गया, नहीं समझ आया? बिकॉज ऑफ द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 विच वाज नोटिफाइड इन 2018। तो दो स्टेटमेंट, हम मेरा बस चलता तुम तो टैटू लगवा देते तुम लोग के ऊपर, पूरा डिपॉजिट चैप्टर में ये दो स्टेटमेंट हीरो है। नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी, All companies can accept deposit from members by satisfying section 73, subsection 2, clause A से clause F। दोनों एक्सट्रीम है एकदम, आउटसाइडर से डिपॉजिट लेने ही नहीं देंगे किसी भी कंपनी को,
No company can accept deposit from outsiders except eligible public company. All companies can accept deposit from members. By satisfying six conditions, section 73, subsection 2 clauses here. So, dekho, deposit from member point number hai na? Sabka kuch na kuch bhara hua rahega, dekho. Sir, yahan to nahi hai. Abhe ganja, unlimited hai. Kitna bhi le le. Ab iska logic kya hai? Members jo hai, wo to company ka pole patti sab jante hi hai. Members to insider hai, outsider nahi hai, re baba. तो मेंबर्स तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे से मेंबर्स तो फैमिली है कंपनी का दे आर द ओनर मेंबर्स आर द ओनर्स मालिक ऑफ द कंपनी है आउटसाइडर से नहीं ले मालिक से नहीं ले तो कंपनी बंद कर दो फिर आउटसाइडर को धोखा मत दो बट मालिक को अगर धोखा मिला है नहीं मिला है वो तो मालिक जानता ही है मेंबर तो जानता ही है मेंबर इज ट्राइड एंड टेस्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी मेंबर नोज एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी इन एंड आउट Member knows me in and out. My members will know my company in and out. अरे पूरा तो members का एक शर्म और restriction. लो members लोग से लो deposit. हम लोग मना नहीं करेंगे बट उसमें ये छह कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कंसेप्ट समझ में आ रहा है ये लॉ इंसाफ है कि नहीं आप बताइए इंसाफ लग रहा है पूरा ऐसे इंसाफ होना चाहिए कि आउटसाइडर से लेने नहीं दो मेंबर से लेने दो मेंबर्स तो पूरा जानता है उसमें ये छह कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा ओके श्योर अब सबसे पहला कौन सा है यही तो है अकेला जो यही तो है जो अकेला आउटसाइडर से ले सकता है पक्का यही तो है जो आउटसाइडर से अकेला अच्छा देखो छह प्रकार का कंपनी है पहले तो ये याद कर लो एलिजिबल पब्लिक कंपनी आराम से देख करके नहीं बिना देखे बोला एलिजिबल पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी और फिर आईएफएससी पब्लिक कंपनी फिर सदा प्राइवेट कंपनी सैटिस्फाइंग थ्री कंडीशन छह तो है ना दो दो का जोड़ा बना ले लिमिट याद हो जाएगा पहला दो में 35% है पहला दो में 35% है फिर दो में 100 है दो में अनलिमिटेड है सोच रहे हो लॉ मेकर ने ऐसा चार्ट नहीं बनाया है पहला दो में 35 है फिर दो में 100 है फिर दो में अनलिमिटेड ये चैप्टर या तो बहुत टफ लगता है या बहुत इजी लगता है पढ़ाने का स्टाइल को डिपेंड करता है बनारा क्या बोल रहे हैं पहला दो में 35 है दो में 100 है दो में अनलिमिटेड ऑब्वियस बात है वो 35 का जो लिमिट है वो अलग अलग रहेगा बट है 35 ही मोटा मोटी देखा जाए देखना यार एलिजिबल पब्लिक यही तो है जो आउटसाइडर से ले सकता है रे यही तो है जो आउटसाइडर से इसको मेंबर से बोला गया 10% इसको मेंबर से बोला गया 10% आउटसाइडर से 25% ही तो हुआ रे ओवरऑल तो 35% ही हुआ बट तुम अलग अलग लिखेगा मेंबर से 10 आउटसाइडर से 25 सर क्या चीज का 10-25 मेरा पेड अप शेयर कैपिटल मेरा कंपनी का पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एसपी जोड़ करके कुछ अमाउंट आएगा पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम मान लो 500 करोड़ आया तो ये जोड़ करके मान लो 1000 करोड़ आया तो 1000 करोड़ का 10% 100 करोड़ मेंबर से ले सकते हैं 250 करोड़ हम आउटसाइडर से गवर्नमेंट कंपनी बोला हमसे देखो ये सब नहीं हो बोला हट तुमको भी फॉलो करना पड़ेगा 35% पर ठीक है तुम सरकारी कंपनी हो 35% के अंदर सब लिमिट नहीं है जैसे इसका तो ओवरऑल भी 35 है और 35 के अंदर भी सब लिमिट है कि मेंबर से 10 आउटसाइडर से 25 गवर्नमेंट कंपनी को ना चल तुम ए प्लस बी मिला करके 35 बट ये गवर्नमेंट कंपनी भी क्या होना चाहिए एलिजिबल वाला नहीं समझा अयो रामा मतलब ऐसा गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नेटवर्क भी 100 करोड़ नहीं है टर्नओवर 500 करोड़ नहीं है तो वो खाली पब्लिक कंपनी माना जाएगा फिर उसको आउटसाइडर से लेने नहीं देंगे शून्य सर वापस बोलिए एक बार गवर्नमेंट कंपनी Does not satisfy net worth 100 करोड़ टर्नओवर 500 करोड़ तब वो नॉर्मल पब्लिक कंपनी का कैटेगरी में आ जाएगा समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं पक्का yes, और yes, अब यहां पर 35 है सर यहां मिला जुला अरे गंजा आउटसाइडर से का तो जीरो है इसका 35 फिर यहां पर आउटसाइडर का जीरो 100-100 किससे मेंबर से इसका दो तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड जीरो जीरो
मक्खन एकदम। पहले लिमिट दिमाग में बैठा लो, पहले तो मैं 35-35 है, 35 है, फिर 100-100 अनलिमिटेड अनलिमिटेड। सबसे पहले कौन सा एलिजिबल पब्लिक कंपनी? अच्छा एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही तो आउटसाइडर से ले सकता है और मेंबर से, मेंबर से तो सबको ही ले सकता है, तो ये मेंबर से 10, ये मेंबर से 10 ही ले सकता है, ये मेंबर से 10 ही ले सकता है, आउटसाइडर से 25 मिला जुला करके, गवर्नमेंट कंपनी मिला जुला करके 35, पब्लिक कंपनी खाली किससे लेगा? मेंबर, मेंबर से 35, आउटसाइडर से 0, आउटसाइडर से तो सभी 0 है। और फिर प्राइवेट कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी 100, आईएफएससी प्राइवेट कंपनी कहां आ गया यहां? अच्छा ऐसा प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है अनलिमिटेड, और ऐसा प्राइवेट कंपनी जो तीनों कंडीशन, सॉरी सॉरी तीन कंडीशन क्या है, ये सब्सिडियरी एसोसिएट नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी किसी का सब्सिडियरी एसोसिएट, इट शुड नॉट बी अ सब्सिडियरी और एसोसिएट। इसका लोन जो आउटस्टैंडिंग है वो लेस होना चाहिए, ये सेक्शन 67 में भी आया था, लेकिन पहला पॉइंट खाली चेंज था। सेक्शन 67 में जो पहला पॉइंट था नो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ शेयरहोल्डर, बट दूसरा और तीसरा सेम है। यहां पर क्या है, प्राइवेट कंपनी सैटिस्फाइंग ऑल द थ्री कंडीशन है, पहला कंडीशन है इट इज नॉट अ सब्सिडियरी और एसोसिएट, इट्स लोन आउटस्टैंडिंग इज लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, रुपए करोड़ समझाया हुआ मेरा पहले भी। इसका जो लोन है वो ज्यादा हो कि कम हो, पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस ऑफ 50 करोड़ विच एवर इज लोन, उससे भी कम। मान लो मेरा पेड शेयर कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख का ट्वाइस बताओ 20 लाख, 20 लाख और 50, पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख का ट्वाइस बताओ 20 लाख और 50 करोड़ लोअर बताओ, तो 20 लाख से कम का लोन हो एंड नो डिफॉल्ट, तब जाकर के ये स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी की तरह अनलिमिटेड लेगा। किससे? मेंबर से, आउटसाइडर से तो 0। मान लो मैं एक ऐसा प्राइवेट कंपनी हूं जो है सब्सिडियरी, आई एम अ सब्सिडियरी, तब मैं यहां फॉल करूंगा, तब मैं कहां फॉल करूंगा? तब खाली वाला प्राइवेट कंपनी में, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में, आइयो राम, तब मैं कितना ले सकता हूं? 100 मेंबर से, आउटसाइडर से। बट अगर मैं एक ऐसा प्राइवेट कंपनी हूं जो नॉर्मल नहीं है, या तो वो स्टार्टअप है या फिर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, अनलिमिटेड मेंबर से, आउटसाइडर से तो 0। मक्खन, मेरे को दो लाइन बोल दो, टैटू वाला लाइन, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइड, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी के आउटसाइडर से ले सकता है क्या? कितना भी? अनलिमिटेड नहीं, नहीं लिमिट है, लिमिट है 25% या फिर गवर्नमेंट कंपनी मिला करके 25% अंडर सेक्शन 76। उसके लिए उसको पास करना पड़ेगा एसआरएन जीएन। इफ एलिजिबल पब्लिक कंपनी वॉन्ट्स टू टेक द डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर इट मस्ट पास एसआरएन जीएन। हाँ लेकिन एसआरएन जीएम की जगह ORN GM से काम हो जाएगा, SRN GM की जगह, SRN GM की जगह ORN GM से काम चल जाएगा, इसका काम SR की जगह OR से काम चल जाएगा। अगर सेक्शन 180, दूर गगन में एक सेक्शन है 180, सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, अगर उस लिमिट के अंदर बोलेंगे सर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या बोलता है, 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ये बोलता है कि मैंने जितना बोरिंग कर लिया है, प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग, प्रेजेंट बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग शुड नॉट एक्सीड, प्रेजेंट बोरिंग एंड प्रपोज बोरिंग शुड नॉट एक्सीड पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एसपी। मान मेरा पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज ऑफ सिक्योरिटी में मिला करके, फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़ है, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज ऑफ सिक्योरिटी में मिला करके 1000 करोड़, मैंने ऑलरेडी, अच्छा डिपॉजिट क्या बोरिंग है? अरे डिपॉजिट ले रहे हैं तो बोरो ही तो कर रहे हैं, मेरा ऑलरेडी बोरिंग जो है ना प्रेजेंट बोरिंग 600 करोड़ है, मेरा प्रेजेंट बोरोइंग 600 करोड़ है, पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एसपी मिलाकर कितना 1000 करोड़। मान लो मेरा प्रेजेंट बोरिंग ऑलरेडी 900 करोड़ है, कितना है 900 करोड़ है, और मैं और प्रपोज कितना कर रहा हूं 100, तो यार मेरा पीयूएससी एफआर एसपी मिलाकर कितना बताना 1000 करोड़। मैंने ऑलरेडी जो बोरिंग ले चुका है, मेरा कंपनी जो बोरिंग कर चुका है और जो करने वाला है, जो कर चुके हैं, जो करने, इट शुड बी विद इन दिस लिमिट। इफ माई प्रेजेंट बोरिंग एंड प्रपोज बोरिंग इज विद इन पीओसी प्लस एफआर प्लस एसपी विच इज 1000 करोड़ एंड माई प्रेजेंट बोरिंग इज 900 करोड़,
प्रपोज बोरिंग 100 करोड़, प्रेजेंट बोरिंग 900 करोड़, प्रपोज बोरिंग। तो यार ये तो विद इन ही है, तब एसआर पास करने का दरकार नहीं है, ओआर इंजीएम से काम चल जाएगा। नॉर्मली क्या पास करोगे? एसआर इंजीएम। बट यू नो व्हाट, इफ माय प्रेजेंट बोरिंग एंड प्रपोज बोरिंग इज विद इन, माय प्रेजेंट बोरिंग एंड प्रपोज बोरिंग इज विद इन द लिमिट ऑफ पीयूएससी प्लस एफआर प्लस एससी, my present and proposed borrowing is within PUSC plus FR plus SC, then instead of passing SR, pass borrowing. Credit rating करवाना पड़ेगा, credit rating करवाना compulsory है इसके लिए। अब credit rating क्या होता है? Credit rating agency लोग देता है। Credit rating कौन लोग देता है? Credit rating agencies लोग देता है, ठीक है। Credit rating agencies लोग कुछ ऐसा rating देता है, या तो AAA दे देगा, या AA दे देगा, या A दे देगा। बोलते जाओ, ट्रिपल भी दे देगा, डबल भी दे देगा, बी दे देगा, या फिर खाली सी और डी। ये 8 प्रकार की रेटिंग दे सकता है। तो मेरे को क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। फॉर टू नेम अ फ्यू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर इकरा, केयर, फिच, ब्रिकवर्क, क्रिसिल। कुछ तो सुना होगा, क्रिसिल, इकरा, केयर, फिच, ब्रिकवर्क, स्मेरा, समायरा नहीं, स्मेरा, स्मेरा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी, SMERA, स्मेरा। तो जितना भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, मैंने मुंह खोल करके बोल दिया, क्रिसिल, इकरा, केयर, फिच, ब्रिकवर्क, स्मेरा, ये 6 हुए, विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपल्सरी रजिस्टर्ड विद सेबी, तो उससे मेरे को क्या लेना पड़ेगा? क्रेडिट रेटिंग। अब उन लोग रेटिंग है तो ट्रिपल ले देगा, हाईएस्ट सेफ्टी, डबल ए हाई सेफ्टी, ए फॉर एडिक्वेट सेफ्टी, हाई सेफ्टी, एडिक्वेट सेफ्टी, मॉडरेट सेफ्टी, ट्रिपल बी तक रेटिंग अच्छा माना जाता है, मॉडरेट सेफ्टी। यहां से इनएडिक्वेट सेफ्टी, डबल बी हो गया इनएडिक्वेट सेफ्टी, हाई रिस्क, बी हो गया हाई रिस्क, सी सब्सटेंशियल रिस्क, सी सब्सटेंशियल रिस्क, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब क्या? कर देंगे कि रेटिंग एजेंसी को लग रहा है। तो अगर हम रेटिंग एजेंसी से अपना रेटिंग ले लेंगे और रेटिंग दुनिया को दिखाएंगे, आउटसाइडर को दिखाएंगे, तो दुनिया ज्यादा बेटर जज कर सकेगा ना रे आउटसाइडर। देख, तेरे को आउटसाइडर से लेने दे रहे हैं, लेकिन तुमको रेटिंग तो करवाना पड़ेगा। हाईएस्ट सेफ्टी, हाई सेफ्टी, एडिक्वेट सेफ्टी, मॉडरेट सेफ्टी, हाईएस्ट, हाई, एडिक्वेट, मॉडरेट, इनएडिक्वेट सेफ्टी, हाई रिस्क, हाई रिस्क के बाद सब्सटेंशियल रिस्क, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। तो बस सेक्शन नंबर 76 यही बोलता है, only eligible public company can accept the deposit from outsider by passing SR NGM, but instead of passing SR NGM, OR se kaam ho jayega, OR se kaam ho jayega if the present borrowing and proposed borrowing is within PUSC plus FR plus SP and credit rating is compulsory. Dusra golden line, all the companies can accept deposit, all the companies can accept, all companies can, all companies can accept deposit from members. सबके सब मेंबर लोग से कर सकते हैं। देखो मेंबर लोग का सबका भरा हुआ होगा, अपने नंबर मेंबर था ना, सबका भरा हुआ। देखो बाय सैटिस्फाइंग सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से क्लॉज एफ, बाय सेक्शन 73 बाय सैटिस्फाइंग सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से एफ, कितना कंडीशन है? आई लाइक इट, एक हट गया तो 5 बचा। सबसे पहला कंडीशन ये बोलता है, क्या कंडीशन? अरे मेंबर लोग से डिपॉजिट लेना है ना, तो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। सुनो कंडीशंस क्या है। एक फॉर्म आता है डीपीटी 1, फॉर्म डीपीटी 1 के अंदर 4 बात लिखा हुआ रहेगा, कंपनी का लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनीज लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, कंपनीज लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ड्यू, टोटल डिपॉजिटर्स, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग, कितना लिया हुआ मेरा, डिफॉल्ट नहीं किया, कितना लिया हुआ, 4 चीज। कंपनीज लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ड्यू, ये 4 चीज डीपीटी 1। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर, क्या बोलते हैं बताओ ना, सर्कुलर, शुड बी सर्कुलेटेड, फॉर्म डीपीटी 1 सर्कुलर शुड बी सर्कुलेटेड टू ऑल द मेंबर्स, ताकि मेंबर लोगों को पता चले कि मेरा लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रेटिंग क्या है, टोटल डिपॉजिट कितना आउटस्टैंडिंग और कितना नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स है।
यही सेम फॉर्म डीपीटी वन शुड बी सबमिटेड टू आरओसी. सेकंड कंडीशन द फॉर्म डीपीटी वन शुड बी सबमिटेड टू आरओसी. बाकी आरओसी चेक कर सके ना, झूठ तो नहीं बोल रहा. तो फॉर्म डीपीटी वन शुड बी सबमिटेड टू आरओसी विद इन 30 डेज बिफोर सर्कुलेटिंग इट टू मेंबर्स. हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे, खुद से इंटरप्रेट करना पड़ेगा. रिपीट द लास्ट सेंटेंस. इंटरप्रेट हम करेंगे बट सेंटेंस को रिपीट करो. सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना, कान पकड़ करके सॉरी बोलो. आउट, गेट आउट इमीडिएटली. तबीयत खराब लग रहा है तुम्हारा, बाहर जाओ. यू आर नॉट फिट टू डू द क्लास. देखो भाई, पहले हेल्थ है. हेल्थ इज वेल्थ. पहले हेल्थ है कि नॉलेज है? हेल्थ. हेल्थ, आई एम नॉट जोकिंग. पहले हेल्थ है. अरे तो आप जो है ये नेक्स्ट ऑप्शन में कर लेना. अभी ऐसे भी आप नहीं सुन रहे, बताइए. तो खाली वो लास्ट सेंटेंस नहीं सुना, तभी तो मैंने पकड़ा ना. और मुझ में ये सब क्यों है? क्यों दिख जाता है नजर? मेरे को पता, खाली लास्ट सेंटेंस नहीं सुना तो तबीयत खराब लग रहा है ना. तो तबीयत खराब है तो इट्स अ क्राइम टू डू द क्लास. कल को एक बात बताओ. नहीं, अगर तबीयत खराब है तो कैसे करोगे कल को? अगर बेचारों बच्चों का मन खराब हो जाएगा, मेरा भी. आप जाकर के घर में रेस्ट कर लो आज. ठीक है, चलिए डिपॉजिट्स में. सबसे पहले डीपीटी वन. सबसे पहले पहला कंडीशन मैंने बताया क्लॉज ए में कि फॉर्म डीपीटी वन कंटेनिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन रेटिंग टोटल डिपॉजिट का टोटल अमाउंट यू शुड बी सर्कुलेटेड टू ऑल द मेंबर्स. डीपीटी वन शुड ऑल्सो बी सबमिटेड टू आरओसी. डीपीटी वन शुड ऑल्सो बी सबमिटेड टू आरओसी. इंटरप्रेट करना विद इन 30 डेज बिफोर इश्यू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर्स. अरे तेरी. डीपीटी वन शुड बी सबमिटेड टू आरओसी विद इन 30 डेज बिफोर इश्यू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर्स. घुटना में भी बुद्धि है तो इतना तो समझ में आ गया होगा. पहले मेंबर को देना है कि आरओसी? आरओसी. ये तो घुटना में बुद्धि है तो समझ में आ जाना चाहिए कि पहले मेंबर को नहीं देना, आरओसी. मतलब पहले मेंबर को देना है क्या? पहले आरओसी. अब विद इन 30 डेज बिफोर इशूइंग टू मेंबर्स. आरओसी को कब देना है? डीपीटी वन. आरओसी को डीपीटी वन. आरओसी को डीपीटी वन कब देना है? विद इन 30 डेज बिफोर. विद इन 30 डेज बिफोर इशूइंग द सर्कुलर टू मेंबर. मतलब क्या इसका मतलब ये हुआ क्या? नहीं नहीं, क्या इसका मतलब ये हुआ क्या? अगर 31 दिसंबर को, अच्छा पहले किसको देना है? आरओसी को कब देना है? आरओसी को कब देना है? विद इन 30 डेज. आरओसी को देना है विद इन 30 डेज बिफोर इश्यू टू द मेंबर. तो जब मैंने मेंबर को दिया, इमेजिन करो मैंने मेंबर को आज दिया डीपीटी वन, यहां से पिछला 30 दिन के अंदर ही मैंने आरओसी को दिया होगा. अगर मैंने मेंबर को 31 दिसंबर को दिया डीपीटी वन, तुम लोग को डीपीटी वन मैंने कब सर्कुलेट किया? 31 दिसंबर. विद इन 30 डेज बिफोर. तो यहां से 30 डेज 1 दिसंबर आ गया रे बाबा. यहां से 30 डेज 1 दिसंबर विद इन, इसी पीरियड के विद इन. 31 दिसंबर बिफोर मतलब पहले, विद इन मतलब इसके अंदर. बिफोर 30 डेज 1 दिसंबर, विद इन मतलब विद इन. विद इन दिख रहा होगा.
तीन लैंग्वेज है बोलने का, अगर बोलता विद इन 30 डेज सबमिट टू ROC, अगर लैंग्वेज ऐसा रहता विद इन 30 डेज सबमिट टू ROC, तो पहले मेंबर को देते, मेंबर को 31 दिसंबर को दिया, तो मेंबर को 31 दिसंबर दिया तो वहां से 30 डेज में ROC, 31 दिसंबर के बाद देते 30 दिन के अंदर, ये एक लैंग्वेज हो गया। अगर खाली बोलता विद इन 30 डेज, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही बोलता विद इन 30 डेज, कि पहले कर लो फिर ROC को बता दो। अगर बोलता सबमिट टू ROC एटलीस्ट 30 डेज बिफोर, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर का मतलब हो जाता 1 दिसंबर के भी पहले, पहले 1 दिसंबर के पहले, नवंबर महीना, अक्टूबर महीना। तीसरा लैंग्वेज है विद इन 30 डेज बिफोर, तीसरा लैंग्वेज है विद इन 30 डेज बिफोर, कि बिफोर 30 डेज आ गया विद इन, तीनों लैंग्वेज इंटरप्रेट करना आ रहा है। कभी इन लोग बोलेगा ए सबमिट कर ROC को विद इन 30 डेज, तो काम कर लो, काम कर लो फिर वहां से 30 डेज में ROC को सबमिट कर दो। विद इन 30 डेज मतलब समझ में आ रहा है, काम करने के बाद विद इन 30 डेज। अगर बोलता विद इन 30 डेज बिफोर, तो काम करने के पहले वाला 30 डेज के अंदर, तो इस केस में। और अगर बोलता एटलीस्ट 30 डेज बिफोर, एटलीस्ट 30 डेज बिफोर मतलब और 30 दिन के भी पहले, तीनों चीज समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है। डिसलेक्सिया वाला बच्चा बोल रहा करना क्या, विद इन 30 डेज बिफोर मतलब अगर 31 दिसंबर को मैं मेंबर लोग को सर्कुलेट कर रहा हूं, 31 दिसंबर को मैं मेंबर लोग को सर्कुलेट कर विद इन 30 डेज बिफोर, पिछला 30 ROC को जमा करो, पहले किसको, मेंबर को कि ROC को, ROC को यार। तो सर पहले आपको ये बोलना चाहिए था ना, ROC गांजा लाल लॉ मेकर मेरा पिताजी या मैंने ही बनाया ना, क्लॉज ए में उन लोग लिखा है मेंबर, क्लॉज बी में लिखा है ROC को दो विद इन 30 डेज बिफोर इशुइंग टू मेंबर। तो मुझे सर समझ आ गया, मक्खन। अब क्लॉज सी में बोला टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, 20% ऑफ सच डिपॉजिट शुड बी डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक, 20% ऑफ सच डिपॉजिट शुड बी डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक बाई 30th of April इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। सर ये सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, नहीं सुना हुआ है तो ज्यादा अच्छा है, वो अलग है ये अलग है। DRR में सुने थे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जिन लोग को बनाना रहता है 25%, उन लोग को और एक काम करना रहता है 15%, वहां 15% सारे, और वहां वही वाला फाइनेंशियल ईयर का था। तो नहीं सुना हुआ है तो ज्यादा अच्छा रहता, बट क्या करे सुना हुआ है और डेस्क लोग को याद भी रहता है, पढ़ाया कौन है वो देखो। तो 15% तुम लोग को याद आ रहे, हम लोग शेड्यूल बैंक में या इन्वेस्ट करते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कम से कम 15% 30 अप्रैल तक डिबेंचर मैच्योरिंग फॉलोइंग दैट फाइनेंशियल ईयर, व्हाट 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर था, फाइनेंशियल ईयर नहीं नेक्स्ट ईयर। तो यार अगर 18-19 का बात करें तो 1/4-18 31 मार्च 18 नहीं ना, 31 मार्च 19 नेक्स्ट ईयर। क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप बताइए, आप जैसा आज्ञा करेंगे वैसा होगा, बोलिए ना। टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, पता करो उसका 20% 31 अप्रैल तक, 20% 15 डिबेंचर में था, यहां डिपॉजिट में 20% 30 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक बंदोबस्त कर लो शेड्यूल बैंक में। मतलब मिटाने का मन तो नहीं कर रहा है, थोड़ा देर और रहने देते हैं। मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 30 अप्रैल 2019 तक बोलो 30 अप्रैल 2019 तक कितना परसेंट जमा करना है, 30 अप्रैल 2019 तक कितना जमा करना है, 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन 1920 के 2021
फाइनेंशियल ईयर 19-20 कि फाइनेंशियल ईयर 20-21? हम लोग 30 अप्रैल 2019 में खड़े हैं। मतलब ऑब्वियस सा बात है, आज 30 अप्रैल 2019 नहीं है, उसके बहुत बाद खड़े हैं बेसरमो। बच्चे सोच रहे होंगे काश 30 अप्रैल 2019 रहता। आए 30 अप्रैल 2019 को मान लो हम लोग खड़े हैं, एज्यूम कर लो हम लोग को 20% जमा करना है ऑफ द डिपॉजिट मैच्योरिंग इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये खुद फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, ये तो 19-20 में आ रहा है, तो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 20-21। तो 20-21 में जो तेरा डिपॉजिट मैच्योर होना है, मान लो 100 करोड़, 100 करोड़ का 20% 20 करोड़ का बंदोबस्त तेरे को कर लेंगे। और सर 19-20 वाला उसका बंदोबस्त तो बेटा हो गया होगा 30 अप्रैल 2018 में, नहीं समझा? समझे सर? पॉइंट नंबर डी हट गया, वो बोलता था इंश्योरेंस करवाओ, जो डिपॉजिट हम लोग लेंगे इंश्योरेंस करो, जो जनता जनार्दन से मेंबर लोग से, यानी कंपनी अगर क्या ले रहा है डिपॉजिट मेंबर लोग से, अगर हम डिपॉजिट ले रहे हैं उसका इंश्योरेंस करो। अब मजा का बात ये वही हटाया क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल लाइफ का रियलिटी बताते हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनी आग में हाथ क्यों देगा, कितना रिस्क है समझो। अरे इंश्योरेंस कंपनी को तो पता ही है कंपनी लोग का आजकल हालत कैसा चल रहा है, कोई किसी का माई बाप ठीक नहीं रह रहे बाबा, कब कौन सा कंपनी उड़ जाए, कौन इमेजिन कर सकता था IFSC उड़ जाएगा रे बाबा, भूषण स्टील जैसा बड़ा कंपनी इंसॉल्वेंसी में चला जाएगा, उत्तम गालवा जैसा बड़ा कंपनी इंसॉल्वेंसी में चला जाएगा, जेट एयरवेज जैसा कंपनी इंसॉल्वेंसी में चला, कौन इमेजिन कर सकता था रे बाबा, नहीं समझ आया? तो इंसॉल्वेंसी में चला गया तो डिपॉजिट कंपनी तो चुका नहीं सकेगा, लेकिन डिपॉजिट का अगर इंश्योरेंस है इंश्योरेंस कंपनी को तो चुकाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी में एक से एक बढ़कर फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोग बैठता, अंडू पंडू लोग नहीं बैठता, उन लोग इंश्योरेंस ही नहीं कर रहा, और हम लोग करेंगे नहीं इंश्योरेंस, कंपनी को करवाना कंपलसरी बोला है ना, इंश्योरेंस कंपनी आए कर इंश्योरेंस, उसके लिए कंपलसरी थोड़ी ना है, अरे कंपनी करवा इंश्योरेंस, बाबू कोई करने को रेडी नहीं है, हटा दिया गया पॉइंट। अमेंडमेंट का कारण समझ आया कि बोला गया, पॉइंट तो बहुत अच्छा था कि जितना आप डिपॉजिट लिए उनका इंश्योरेंस करवाइए इंश्योरेंस कंपनी, बट कोई इंश्योरेंस कंपनी तैयार ही नहीं था इंश्योरेंस करने के लिए, इसलिए हटा दिया गया रिक्वायरमेंट। देखो लॉ मेकर लोग भी कानून बना दिए बट कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो सबको तो जेल सजा नहीं होगा ना रे बाबा, बेंड करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, हिटलर गिरी तो नहीं दिखाया जा सकता। अब जैसे अगर हम तुम लोग को बोले रात को एक्स्ट्रा क्लास होगा, क्योंकि ये तुम्हारा प्यार है बेटा, बट ये तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा रे बाबा, ये थोड़ी ना इंसाफ है, इसलिए हम रात प्रेफर नहीं करते, दिन में ऐसा आवाज है। रात में कितना डर लग जाएगा समझ में आ रहा है, हम ऐसा भूत जैसा आवाज निकाल रहे हैं, बट समझो चीज को, लॉ ऐसा बनाना चाहिए जो सब फॉलो कर सके, कल को मोदी जी बोल दिए कि रोज सुबह उठ करके रोज एक घंटा में वंदे मातरम भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद, तो हर एक घंटा में बोलना पड़ेगा क्या? तो ये थोड़ी ना सब लोग फॉलो करेगा, मेरे को अपना देशभक्ति थोड़ी ना ये बोल करके साबित करना है मेरा मन, नहीं समझ आया? बट आप इंपोज थोड़ी ना कर सकते हो चीजों को, नहीं हर आधा घंटा में नहीं बोलेगा तुम तो देशद्रोही है तुम पाकिस्तान जाओ, तो अब बीच बीच में हर आधा घंटा में नारा लगाना पड़ेगा क्लास करते करते, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक छुट जाएगा। तो कानून ऐसा बनाया जाएगा जो सब फॉलो कर सके, ये डिपॉजिट का इंश्योरेंस कराने बोले कोई है ही नहीं करने के लिए, तो हटा दिया गया, कारण समझ आया? पॉइंट नंबर ई में बहुत सिंपल बोला गया, क्लॉज नंबर ई में कोई डिपॉजिट डिफॉल्ट नहीं है, और अगर है तो चुका है या जा चुका है और 5 साल बीत गया, उस बात को याद रखने का तरीका, पॉइंट ई फिफ्थ है ना, 5 साल ई फिफ्थ है 5 साल, या तो डिफॉल्ट किया नहीं आज तक, और किया है चुका दिया सुधार दिया, सुधारते ही तुमको वापस से हम लोग डिपॉजिट लेंगे ना 5 साल बाद,
पांच साल फ्रॉम डिफॉल्ट की रेमेडी सुपर। और लास्ट वाला पॉइंट नंबर एफ बहुत सिंपल है, क्लॉज नंबर एफ यही बोल रहा है डिपॉजिट शुड बी सिक्योर्ड। सिक्योरिटी दोगे मेंबर लोग को, जितना डिपॉजिट लोगे मेंबर लोग को सिक्योरिटी दोगे, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इफ द डिपॉजिट्स आर पार्टली सिक्योर्ड, इफ द डिपॉजिट्स आर पार्टली सिक्योर्ड और नॉट सिक्योर्ड एट ऑल, नो सिक्योरिटी इज बीन गिवन और लेस सिक्योरिटी, या तो नो सिक्योरिटी या लेस सिक्योरिटी, देन इट इज अनसिक्योर्ड। नो सिक्योरिटी, लेस सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड भी है तो अनसिक्योर्ड, एंड इट शुड बी मेंशन इन द सर्कुलर फ्रॉम द बिगनिंग, एवरी एडवर्टीजमेंट, एवरी सर्कुलर, एवरी फॉर्म फ्रॉम द बिगनिंग, साफ साफ शब्दों में लिखोगे कि भाई डिपॉजिट क्या है, अनसिक्योर्ड। नॉर्मली क्लॉज एफ में क्या बोला गया, डिपॉजिट होल्डर मस्ट बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सिक्योरिटी, बट इफ द सिक्योरिटी इज लेस और नो सिक्योरिटी, इट शुड बी मेंशन इन एवरी फॉर्म एडवर्टीजमेंट सर्कुलर क्लियरली दैट द डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड। मतलब ध्यान देते सिक्योरिटी ऑफर करना जरूरी नहीं है, अगर आप कम या नहीं सिक्योरिटी ऑफर करें तो शुरू से बताना पड़ेगा कि अनसिक्योर्ड। मेरे को ए से एफ तक 73 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए से एफ तक फटाफट बता दो, एक सेकंड। एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम, इसलिए बोले थे टैटू लगवा देते हैं आउटसाइडर्स। एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर बाय सैटिस्फाइंग 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से एफ। क्लॉज ए में सर्कुलर पहले किसको दोगे, क्लॉज ए में सर्कुलर किसको दोगे, क्लॉज ए में बोला गया सर्कुलर डीपीटी 1 शुड बी गिवन टू मेंबर्स, क्लॉज बी विद इन 30 डेज बिफोर इश्यू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर इट शुड बी सबमिटेड टू आरओसी, मेंटेन एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर बाय 30th of April इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 30 अप्रैल 2019 तक 20% मेंटेन करना है फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 2021। पॉइंट नंबर डी इंश्योरेंस हट गया, पॉइंट नंबर ई नो इफ पांच साल डिफॉल्ट हुआ नहीं और अगर हुआ तो सुधारे हुए 5 साल हो गया, एंड एफ में सिक्योरिटी, एंड इफ नो सिक्योरिटी और लेस सिक्योरिटी प्रोवाइडेड मेंशन इट इज अनसिक्योर्ड फ्रॉम द बिगनिंग इन एवरी एडवर्टीजमेंट सर्कुलर एवरीवेयर। मक्खन एकदम। एग्जेम्पशन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से ई फॉलो नहीं करना है इनको, ये चार को, आखिरी चार को 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से ई तक एग्जेम्पशन, मतलब क्लॉज एफ इनको भी फॉलो करना है, ये चार आखिरी चार मेंबर लोग से ले सकते हैं खाली एक पॉइंट फॉलो करके सिक्योर्ड, और सिक्योर्ड नहीं है तो बता दो अनसिक्योर्ड। बड़ा सवाल की घटा, आखिरी चार को 73 सबसेक्शन 2 का खाली क्लॉज एफ सैटिस्फाई करना है ए से ई तक एग्जेम्पशन। संभाल लिया है मेरे बच्चे यहां तक, ये कॉपी हो चुका है ये पूरा चार्ट, उसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, चार्ट के नीचे लिख दो पॉइंट नंबर 1 फटाफट एकदम। नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स ब्रैकेट में पब्लिक, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स ब्रैकेट में पब्लिक ब्रैकेट क्लोज, एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76, एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76 बाय सैटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशंस, बाय कंप्लाइंग फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, बाय कंप्लाइंग फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होता है हम फिर से नहीं लिखवा रहे हैं, पूछो क्यों, अरे चार्ट में लिखवा चुके हैं ना हम, खाली वो बता रहे हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या डिपॉजिट ले सकता है आउटसाइडर से, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी, याद करो उसके लिए क्या बोले थे सेक्शन 36 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर ए एसआर इन जीएम, पॉइंट नंबर बी इफ बोरोइंग्स आर विद इन द लिमिट ऑफ
सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, फटाफट लिखो दोस्तों. इफ बोरोइंग्स आर विद इन द लिमिट, इफ बोरोइंग्स आर विद इन द लिमिट ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, देन इंस्टेड ऑफ एसआर पास ओवर इन जीएम, देन इंस्टेड ऑफ एसआर पास ओवर इन जीएम, then instead of SR pass over in GM, then instead of SR pass over in GM. Next line में लिख दो, point मत change करना, next line में लिख दो. As per section 180 subsection 1 clause C, as per section 180 subsection 1 clause C, as per section 180 subsection 1 clause C, present borrowing plus proposed borrowing present borrowing plus proposed borrowing less than equal to को साइन बना दो, जिसको नहीं आता देखो less than equal to दिखा, less than equal to लिखा, less than equal to PUSC plus FR plus SP, PUSC plus FR plus SP, PUSC plus FR plus SP. तो अगर तुम्हारा present और proposed borrowing is within PUSC plus FR plus SP तो तुमको ना एसआर नहीं पास करना है ओवर. पॉइंट नंबर सी या थ्री, जो भी बी जो बोल रहा है, नहीं बेटा नेक्स्ट पॉइंट बेटा सी या थ्री. क्रेडिट रेटिंग मस्ट बी ऑब्टेन्ड, क्रेडिट रेटिंग मस्ट बी ऑब्टेन्ड, क्रेडिट रेटिंग मस्ट बी ऑब्टेन्ड. समझ में आ गया मेरे बच्चों को? अब दो तीन लाइन स्किप करके और दिखना चाहिए ना फला फला. पॉइंट नंबर टू, अरे वो दो टैटू वाला लाइन लिखवा रहे हैं, अरे पहला वाला टैटू वाला लाइन क्या था? हाँ अरे बोलो, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76, उसका कंडीशन लिख दिया. फिर एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, लिख दो एवरी कंपनी पॉइंट नंबर टू में, एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट, थोड़ा फटाफट, every company can accept deposits, every company can accept deposits from, huh, every company can accept deposit from members, so every company can accept deposit from members by complying section 73 subsection 2 क्लॉज ए टू क्लॉज एफ, यानी ब्रैकेट में ए लिखो फिर टी ओ टू ब्रैकेट में एफ, 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए टू क्लॉज एफ फुल स्टॉप. हाउएवर, फुल स्टॉप के बाद लिख दो हाउएवर, एग्जेम्पशन गिवन, हाउएवर exemption given to last four companies, exemption given to last four companies of above chart, to last four companies in above chart, exemption given to last four companies in above chart from complying section 73, from complying section 73 subsection 2 clause A to clause E, from complying section 73 subsection 2 clause A to clause E. ये जो आखिरी चार कंपनी दिख रहा है क्या तुम्हारे को चार्ट में, इन लोगों को 73 subsection 2 clause A to clause E का exemption है, which means they can accept deposit from members, which means they can accept deposit from members, which means they can accept deposit from members, which means they can accept deposit from members only, which means they can accept deposit from members only by complying, they can accept deposit from members only by complying 73 subsection 2 clause F, they can accept deposit from members only by complying 73 subsection 2 clause F. makhan ki tarah sab kuch clear hai kya? next line mein likh do bada, section 73 subsection 2
क्लॉज ए टू एफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए टू एफ डैश से करके रेफर पेज 76 एंड 77 रेफर पेज 76 एंड 77 रेफर पेज 76 एंड 77 समझ में आ गया कितना कंडीशन था जिसमें से पॉइंट नंबर डी हट गया बताओ ना अभी मत जाओ वहां पर यार जब मार्किंग करवाएंगे तब जाएंगे ना बता दो छह कंडीशन मुंह से डीपीटी वन क्लॉज ए डीपीटी वन टू मेंबर्स क्लॉज ए डीपीटी वन टू मेंबर्स क्लॉज बी बोलता है विद इन 30 डेज बिफोर विद इन 30 डेज बिफोर सर्कुलेटिंग टू द मेंबर सबमिट टू आरओसी मतलब पहले किसको दोगे शाबाश फिर क्लॉज नंबर सी 20% of the total deposit maturing in the following financial year should be deposited in scheduled bank by 30th of April of the current financial year. 30 April 2019 तक 20% ए 30 April 2019 तक 20% बंदोबस्त कर लेना कब का 19-20 का कि 20-21 का डी इंश्योरेंस हट गया ई 5 साल कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ और सुधार दी अगर हुआ तो सुधार दियो और सुधारे हुए 5 साल एफ में सिक्योर्ड और सिक्योर्ड नहीं है तो शुरू से बता दो मक्खन है यार एकदम चार कंपनीज के ऊपर ये पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है चार कंपनीज के ऊपर ये पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है उन लोग नहीं पढ़ेंगे अगला चैप्टर नहीं फॉलो करेंगे अगला चैप्टर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी सर्जर कंपनी जिन कंसल्टेशन आरबीआई अभी तक नहीं प्रेस करती है बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस सर्जर कंपनी प्रेस्क्राइब जिन कंसल्टेशन विद आरबीआई अभी तक प्रेस्क्राइब नहीं किया ये चार प्रकार का कंपनी है जिन लोग को ये चैप्टर ही पढ़ने का दरकार नहीं है नॉनसेंस बाहर में गए चैप्टर हटा बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एंड अदर क्लास ऑफ कंपनी प्रेस्क्राइब बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई लॉजिक है ना भाई आप बैंक को मना कर दोगे डिपॉजिट मत लो तो फिर बैंक बोलेगा हम बैंक खोले ही क्यों नहीं समझ में आया आप बैंक को बोल रहे नहीं नहीं ठीक है आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी आप आउटसाइड परचेज हट बैंक को अगला चैप्टर पढ़ने का दरकार नहीं है और बैंक का ही सेम धंधा होता है एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कहां से फाइनेंस करेगा एनबीएफसी दूसरों को अगर वो खुद अपने आप को फाइनेंस नहीं करेगा और वैसे ही होता है हाउसिंग फाइनेंस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नाम बताओ एचडीएफसी सर वो तो बैंक है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अलग है और एचडीएफसी लिमिटेड अलग है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बताओ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पहले आईसीआईसीआई था उसको सरपास कर चुका है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक का नाम बताओ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड कैसे बच्चे अच्छे बच्चे एक दो तो एनबीएफसी का नाम बता बजाज फाइनेंस सबसे पॉपुलर एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड जहां देखो मोबाइल वगैरह खरीदने जाओगे दिखाई देगा बजाज फाइनेंस का ईएमआई अवेलेबल है मोबाइल कंप्यूटर टीवी कुछ भी खरीदने जाओगे बजाज फाइनेंस का ईएमआई का वो दिखाई देगा देखे भी तो नहीं अरे बाबा काम से काम रख ये चैप्टर चार कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है मेरे को वो बता बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस क्लास ऑफ कंपनी प्रेस का बेसिस इन कंसर्न चार गया बट जब बैंक पढ़ रहे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक अब आईसीआईसीआई नहीं रहा एचडीएफसी बैंक हो चुका मेरे को बताना चाहिए ना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड तो बैंक एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस अदर क्लास ऑफ कंपनी प्रेस का बेसिस इन कंसर्न आरबीआई इनके ऊपर चैप्टर ही एप्लीकेबल ठीक है सर ये बात जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना तभी लिखा हुआ है सेक्शन कौन से स्टार्ट हो रहा है सबसेक्शन वन में ही लिख दिया 73 का सबसेक्शन वन में ही लिख दिया कि तुम लोग मत पढ़ो ये एप्लीकेबल नहीं है तुम लोग मक्खन लवली बेटा लवली अब थोड़ा गौर फरमाओ बहुत टेक्निकल थोड़ा गौर फरमाओ नो कंपनी कैन टैटू वाला लाइन पहला वाला नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम
सोचो कितना बड़ा, एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी, सोचो कितना बड़ा बात है, सोचो कितना बड़ा बात है। इनको अब बोल दिया आउटसाइड डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट मतलब क्या होता है? एनी रिसिप्ट ऑफ मनी इज अ डिपॉजिट, बोलो। तो आप समझो चीज को, नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम, समझो आप चीज को। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं मान लो बेचारा, और मेरे मेंबर्स देने के मूड में नहीं है, तो आउटसाइडर से नहीं ले सकते? कितना ले सकते आउटसाइडर से? तो मैं तो बैंक से भी लोन नहीं ले सकूंगा फिर, क्योंकि बैंक भी क्या लागे हैं, समझो। पीएफआई से भी लोन नहीं ले सकूंगा, सब क्या लागे हैं, धंधा कहां से करूंगा बे? सर मेंबर लोग से लो, हट, नहीं दे रहा उन लोग। तो आउटसाइडर से मैं लोन तो ले सकता हूं? नहीं ले सकता, लोन भी तो डिपॉजिट है रे बाबा, यो रामा। इसलिए लॉ मेकर्स ने बोला, मोहित जी आपका बोलना बिल्कुल उचित है, लेकिन इसलिए आपके बोलने पर हम लोग एक काम कर रहे हैं, 17 आइटम ऐसा है जिसको हम लोग डिपॉजिट ही नहीं मानेंगे। तो अगर वो 17 आइटम ऐसा है जिसको हम लोग डिपॉजिट ही नहीं मानेंगे, तब तो चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं होगा ना। आपको क्या मना किया गया? नो कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइड, बट इफ इट इज नॉट अ डिपॉजिट देन वी कैन एक्सेप्ट। 17 आइटम ऐसा है जिसको बोला गया डिपॉजिट नहीं है। अब अगर डिपॉजिट ही नहीं है, चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है रहे, तब तो हम ले सकते हैं खुला साउंड की तरह कितना भी। समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है? 17 आइटम को घोषित कर दिया गया डिपॉजिट ही नहीं माना जाएगा। तो सर डिपॉजिट क्या है? कुछ भी पैसा मिलेगा डिपॉजिट है, एक्सेप्ट दिस 17 आइटम। एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन जो बोलता है इंक्लूड्स, एक होता है एग्जॉस्टिव मींस बस ये, तो ये एक होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव डिपॉजिट का जो डेफिनेशन है वो एक्सक्लूसिव है। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 31, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में बोला गया डिपॉजिट्स में सब कुछ आएगा, एनी रिसिप्ट ऑफ मनी आएगा एक्सेप्ट द फॉलोइंग। समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है? यस। तो ये 17 आइटम हम लोग खुला साउंड की तरह ले सकते हैं क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं है। डिपॉजिट नहीं है तो ले सकते हैं, चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा सर वो 17 आइटम बता दो हम लोग को। और क्या सर वो 17 का 17 याद रखना पड़ेगा? हां, बट कंसेप्ट है, याद हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। अबे ग्रांट फ्रॉम सीजीएसई, लोकल अथॉरिटी, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट, क्या हम लोग आउटसाइडर है? तो क्या हम नहीं सकते? ले सकते हैं क्योंकि ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। जा आज मोदी जी मान लो यूट्यूब में मेरा एक वीडियो देख करके आ गए, क्या पढ़ाते हो बॉस, क्या पढ़ाते हो बॉस, और इतना खर्चा पानी लगता होगा, कैसे मैनेज करते हो? मतलब बस हो जाता है, बस चलता है, बस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा निकल जाए अपने को, और क्या है। तो बोला नहीं हम चंदा देना चाहेंगे, हम बोला दीजिए, क्या हम नहीं ले सकते? ममता दीदी आ गई, बोला कभी हमारे बारे में भी अच्छा बोल दो यूट्यूब में, हम तुमको चंदा देंगे। केएमसी वाला लोग आ गया, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल अथॉरिटी, नहीं समझाया, तो हम नहीं ले सकते। वहां से डोनाल्ड ट्रंप आ गया, अमेरिका का प्रेसिडेंट। व्हाट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डू टेक टेक मनी, गिव, इट्स नॉट अ डिपॉजिट, गिव। सो अमाउंट रिसीव फ्रॉम सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी, फिरंगी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, संभाल रही है, या फिर अमाउंट रिसीव, इन्हीं दो पॉइंट में, अमाउंट रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी गारंटीड बाय सीजीएसजी और फॉरेन गवर्नमेंट। राम साम जोदू मोदू मेरे को लोन दे रखा है गवर्नमेंट के बोलने पर, गवर्नमेंट के गारंटी पर, तो यह भी डिपॉजिट नहीं है। या तो सीधा सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट मेरे को चढ़ावा चढ़ा रहा है, या कोई और उनके गारंटी पर, ठीक है, उन्हीं लोग चुकाएगा क्या है?
लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पीएफआई, फेयर इनफ यार, यार बैंक भी तो आउटसाइड अलग है, बट आप उससे लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, डिपॉजिट नहीं है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे, डिपॉजिट नहीं है, लोन फ्रॉम अदर कंपनी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अदर कंपनी, एक कंपनी दूसरा कंपनी से अमाउंट ले रहा है, एक कंपनी दूसरा कंपनी से लोन ले रहा है, ये डिपॉजिट नहीं है, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो ग्रांट हो गया, सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, तीन तो लोन, लोन फ्रॉम बैंक, पीएफआई, अदर कंपनी, बैंक, पीएफआई, अदर कंपनी, एक होता कमर्शियल पेपर, क्या होता है बताओ ना, कमर्शियल पेपर इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है कमर्शियल पेपर, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट कमर्शियल पेपर आपको पता होना चाहिए, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह के लिए हम लोग कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करेगा और लोन लेगा, अलाउड है, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, क्लियर है? बहुत ध्यान से छो चुका है और दिमाग में बैठ चुका है, छठो झूठ मत बोलना, दिख रहा है, ग्रांट, सीजीएचसी लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, चैप्टर लोन, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पीएफआई, लोन फ्रॉम अदर कंपनी, कमर्शियल पेपर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, इनके तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम डायरेक्टर, इट्स नॉट अ डिपॉजिट, पब्लिक कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम डायरेक्टर, इट्स नॉट अ डिपॉजिट, प्राइवेट कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम डायरेक्टर ऑल्सो, रिश्तेदार रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो, इट्स नॉट अ डिपॉजिट, बट व्हेन अ पब्लिक कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम डायरेक्टर और अ प्राइवेट कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम डायरेक्टर और द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, दे विल हैव टू गिव इट इन राइटिंग टू द कंपनी दैट सच loan that they are giving to the company is not out of the borrowed fund, self-generated fund, not out of the borrowed fund. Hey director, chal paisa de mere company ko, tum director hai, director please company ko do na, loan do na, ye deposit nahi hai, provided that tumne mere ko jo loan diya kahin se loan le karke nahi diya, maan lo tumhara khud ka net worth hai, salary itna zyada hai ki tum mere ko loan de sakte ho, do na, और किसी से लोन लेकर के अगर डायरेक्टर मुझे लोन देगा तो ये डिपॉजिट है, नहीं तो फिर समझो ना, सेक्शन का मोटिव डिफीट हो जाएगा ना रे बाबा। एक इंसान है रास्ते से जा रहा है, मान लो मिस्टर ए, मेरा कुछ नहीं लगे है, क्या मैं उससे लोन ले सकता हूं? नहीं, डिपॉजिट तो मना है ना रे बाबा, वो तो डिपॉजिट माना जाएगा ना प्राइवेट कंपनी के लिए, और अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी भी है तो 25%, कैसा बच्चा है? अरे गांव को बचाना ही तो मकसद था पब्लिक डिपॉजिट चैप्टर का, गांव तो गांव से हम लोग लोन नहीं ले सकते, और ले भी सकते हैं तो लिमिट से डिपॉजिट माना जाएगा, लेकिन डायरेक्टर से अगर लेंगे तो डिपॉजिट ही नहीं है यार, डायरेक्टर से लेंगे तो एक बच्चा बोला कितना ले सकते, अरे गांजा, अगर वो चीज डिपॉजिट तब तो ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है यार, खुला सांड की तरह लेना तुम, शर्त है, शर्त है, वो किसी और से लोन नहीं लिया, नहीं तो समझो हम ऐसे नहीं ले सकते, हम डायरेक्टर से ले सकते हैं अनलिमिटेड, तो हम क्या करेंगे, ए तुम मेरे को लोन मत दो, डिसअलाउड है, तुम डायरेक्टर को दे दो, हम डायरेक्टर से ले लेंगे, तब तो मोटिव ही चैप्टर का डिफीट हो जाएगा, इसलिए बोला गया देखो तुम डायरेक्टर से लोन ले सकते हो, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा तो उसका खुद का फंड है, बोरोड फंड नहीं, वैसे प्राइवेट कंपनी अपना डायरेक्टर और उसका रिश्तेदार से ले सकता है, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज नॉट फ्रॉम द बोरोड फंड, दे विल हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन दैट दे हैव नॉट बोरोड, सेल्फ जनरेटेड फंड, मक्खन, कितना हो गया बताओ, ग्रांट, सीजीएचसी लोकल अथॉरिटी, फॉरेन गवर्नमेंट, फिर तो लोन का बारिश है, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पीएफ, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पीएफआई, लोन फ्रॉम अदर कंपनी, कमर्शियल पेपर भी लोन ही है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बट दे विल हैव टू गिव अ डिक्लेरेशन दैट द लोन दे आर गिविंग इज नॉट आउट ऑफ द बोरोड फंड, क्लियर है? मक्खन,
आठवां बहुत सिंपल है यार, और ये नहीं होता पागलपंती हो जाता अगर ये नहीं होता तो। थैंक गॉड ये डिपॉजिट नहीं माना जाता। इशू ऑफ शेयर्स, यस। अरे इशू ऑफ शेयर करके भी तो रुपया आ रहा है, कई सब अच्छा लोग है तो ही तो रुपया आ रहा है तो डिपॉजिट है, बट नहीं, डिपॉजिट का डेफिनेशन से हटा दिया गया। इशू ऑफ शेयर्स, पर इसमें भी कंडीशन है, इशू ऑफ शेयर करके जो रुपया आ रहा है, इशू ऑफ शेयर करके जो रुपया आ रहा है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड आप शेयर अलॉट कर दो विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। जिस दिन रुपया मिला वहां से 60 दिन में अलॉट कर दो। और चलो अगर आप 60 दिन में अलॉट नहीं किए, 60 दिन खत्म हो गया, 60 दिन खत्म होते ही अगला 15 दिन में रिफंड कर दो। अगर 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो अगला 15 दिन में रिफंड कर दो। नहीं 60 दिन में अलॉटमेंट किया, नहीं वहां से 15 दिन में रिफंड किया, तब यह डिपॉजिट माना जाएगा और यह सब अट्रैक्ट हो जाएगा। यही इंसाफ है, नहीं तो समझो हम लोग के पास रुपया आया, अब लॉ मेकर लोग स्ट्राइक करने आ गए, डिपॉजिट है तुमने कैसे ले लिया रे हैं? मैं शेयर देने वाला हूं तो डिपॉजिट नहीं है। बोला दो साल से पड़ा हुआ अभी तक शेयर दिया नहीं है, नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बोला गया था अगर शेयर देना है तो 60 दिन में अलॉट हो जाना चाहिए, नहीं तो 15 दिन रिफंड, वो सब तो नहीं किया तो ये डिपॉजिट है। अब ठोकेंगे साहब, संभाल रहे हैं, समझे? नहीं तो समझो कितना बड़ा लूप होल हो जाता। आप मेरे पास आए, लॉ मेकर मेरे को स्ट्राइक किए, क्या रे प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद भी इतना डिपॉजिट ले लिया, ये तो डिपॉजिट है ही नहीं, मेरे पास जो रुपया आया मैं तो शेयर दूंगा। तो दिया का ही नहीं, 60 दिन का समय था, या फिर नहीं देना था तो 60 दिन में रिफंड करना था, वो सब किया नो, तब ये डिपॉजिट है। इश्यू ऑफ डिबेंचर से तीन तो पॉइंट ठोक देंगे एक ही बार में, एक सांस में, रेडी? ये सब डिपॉजिट नहीं माना जाएगा अगर डिबेंचर कन्वर्टेबल है इनटू शेयर्स विद इन 10 ईयर्स, या फिर फुल्ली सिक्योर्ड है, या फिर चलो कन्वर्टेबल भी नहीं है शेयर्स में 10 साल में, सिक्योर्ड भी नहीं है, लिस्टेड है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। मक्खन एकदम। अगर मैं इश्यू कर रहा हूं डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड या कन्वर्टेबल विद इन 10 ईयर्स, या चलो सिक्योर्ड भी नहीं है, कन्वर्टेबल भी नहीं है, लिस्टेड है, तो वो रुपया डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तीन दो पॉइंट हो गया, मतलब अगर मैंने इशू किया नॉन कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड अनलिस्टेड डिबेंचर, डिपॉजिट है, डिपॉजिट है। अगर डिबेंचर इशू करा तीन में से एक भी पॉइंट हो गया ना तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, या तो सिक्योर्ड डिबेंचर है या कन्वर्टेबल है 10 साल के अंदर या लिस्टेड है, या तो सिक्योर्ड या कन्वर्टेबल या लिस्टेड, तब छोड़ देंगे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कितना हो गया रे, कितना ही छोड़ दिया है गांजा लोग, लग नहीं रहे 11 हुआ, इट्स कूल कूल, मैनेजेबल मैनेजेबल यार। 12वां पॉइंट अगर नहीं होता तो धंधा बंद हो जाता लोगों का, इंक्लूडिंग मेरा, नहीं अमाउंट रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तुम समझ मेरा कौन सा, मेरे यहां पर कौन सा कंपनी में आता हूं मैं तो थर्ड वाला कैटेगरी में आता हूं, मेरा प्राइवेट कंपनी मोर देन प्राइवेट लिमिटेड, मैं तो खाली मेंबर लोग से ले सकता हूं 100%, तुम लोग मेरा क्या है, आउटसाइडर, दिल से मेंबर है बट लीगली तो आउटसाइडर है, लीगली तो कस्टमर है, आउटसाइडर है जस्ट लाइक अ कस्टमर, तो आउटसाइडर से तो ले नहीं सकता मैं, कुछ भी अमाउंट आएगा वो तो ले नहीं सकता, डिपॉजिट नहीं है रे गांजा, डिपॉजिट नहीं है, एडवांस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, थैंक गॉड डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो क्योंकि डिपॉजिट, तब ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है ना रे, जब मैंने तेरे से फीस लिया, अमाउंट रिसीव्ड इज एडवांस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बट कंडीशन है सप्लाई must be done within 365 days from advance. तो वो तो हो ही जा रहा है 300 साल भर में तो हो ही जाएगा रे। नहीं तो समझो फिर भाई लूप होल हो जाता ना, लोग लॉ मेकर लोग आकर के ठोकते, कहां से मिला रे सर शेयर का पैसा है,
बोला अलॉटमेंट नहीं हुआ सर, दिन में रिफंड नहीं हुआ 15। नहीं नहीं सर सॉरी सर, शेयर का पैसा नहीं है, एडवांस है, एडवांस है। अरे मेरे को तो पैसा से मतलब था रे, मैं लोन नहीं बोल करके एडवांस बोलेगा। बोला 2 साल हो गए अभी तक माल नहीं बेचा, कैसे एडवांस है? ऐसे एडवांस है सर, 5 साल बाद बेचेंगे आपको, क्या कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। बोला ठीक है ठीक है, नहीं नहीं कोई गलती नहीं है, बढ़िया डिपॉजिट माना जाएगा, क्योंकि कानून बोलता है अगर आपने एडवांस लिया है आपको सप्लाई 365 दिन में कर देना। बहुत अरे 365 दिन एक साल जेन्युइन केसेस के लिए कितना हो गया रे 12 पॉइंट बेटा, बड़ा पॉसिबल है बेटा। अरे अमाउंट रिसीव फ्रॉम सीजीएसई लोकल अथॉरिटी, सीजीएसई लोकल अथॉरिटी फॉरेन गवर्नमेंट, लोन से आ जाएगा, लोन फ्रॉम एवरीवन, लोन फ्रॉम बैंक पीएफआई अदर कंपनी, लोन फ्रॉम बैंक पीएफआई अदर कंपनी कमर्शियल पेपर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर इनकेस ऑफ प्राइवेट कंपनी एज वेल एज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। इशू है एक सेकंड, लोन खत्म, अब इशू ऑफ शेयर, बट द अलॉटमेंट शुड बी मेड विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द मनी, ऑफ रिसीविंग द मनी अलॉटमेंट शुड बी मेड विद इन 60 डेज या रिफंड विद इन नेक्स्ट 15 डेज। फिर वापस इशू है, शेयर हो गया, डिबेंचर कन्वर्टेबल विद इन 10 ईयर, सिक्योर्ड लिस्टेड, धंधा एडवांस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कितना हो गया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज इफ इट डज नॉट एक्सीड हिज एनुअल सैलरी, धंधा करना है भाई, एम्प्लॉय लोग से भी हम लोग कर्जा ले सकते हैं बट एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं। ये मेरा एम्प्लॉय है, इसका साल का पैकेज है मान लो 10 लाख, तो हम इसे 10 लाख का लोन ले सकते हैं, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय शुड नॉट एक्सीड एनुअल सैलरी। सर 6 मंथ्स था ना, वो तो 67 में हम लोग लोन देते थे शेयर खरीदने के लिए अपना 6 महीना तक का सैलरी, या हम लोग ले सकते हैं 1 साल तक का सैलरी, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अमाउंट रिसीव एज अ ट्रस्टी, अमाउंट रिसीव एज अ ट्रस्टी, मेरा शेयर होल्डर ने मुझे कुछ अमाउंट दिया एज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी समझ आता है ना रे बाबा, ये अमाउंट को हम अपने लिए खर्च नहीं कर सकते यार, कोई और के लिए खर्च कर रहे हैं। आई एम एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, सो कंपनी कैन एक्ट एज अ ट्रस्टी। लास्ट वाला जोड़ो क्या बोले, 12 तो थी क्लियर था, 13वां था अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी, नॉट एक्सीडिंग एनुअल सैलरी, अमाउंट रिसीव एज ट्रस्टी कितना हो गया। फिर दोस्तों निधि कंपनी, चिट फंड कंपनीज, निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, बस इतनी, निधि कंपनी, चिटफंड कंपनी, स्टार्टअप, बस हो गया बेटा। देखो हम पूरा जोड़ा बना बना करके करवा रहे हैं, जो टाइप ऑफ कंपनी था मैंने लास्ट में 3 बोला, निधि कंपनी, चिटफंड कंपनी, स्टार्टअप, शटअप नहीं बोल, स्टार्टअप निधि चिटफंड स्टार्टअप। अरे भाई निधि कंपनी, अमाउंट रिसीव बाई निधि कंपनी फ्रॉम मेंबर, निधि कंपनी का तो धंधा है मेंबर से डिपॉजिट लेना, ले सकता, वो डिपॉजिट के कैटेगरी में नहीं आएगा, निधि कंपनी तो पैदा ही हुआ है मेंबर लोग से डिपॉजिट लेने के लिए, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। चिट फंड कंपनी जो लॉटरी वॉटरी खिलवाता है, अरे वो तो लेगा ही जनता से रुपया, तो ये चिट फंड कंपनी, ये सब जो होता है ना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को फॉलो करता है, चिट फंड कंपनी, ये सब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम एक्ट है, एक तो चिट फंड का एक्ट है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, तो ये चिट फंड टाइप का कंपनी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टाइप का कंपनी, इन लोग के ऊपर ये डिपॉजिट चैप्टर एप्लीकेबल नहीं, निधि कंपनी, चिट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, स्टार्टअप के ऊपर है लेकिन क्या डिपॉजिट नहीं माना जाएगा समझो। एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी 25 लाख रुपया तक ले सकता है प्रोवाइडेड वो 5 साल के अंदर उन लोग को इक्विटी शेयर इशू कर दे। मैं एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हूं, मुझे रुपया का दरकार है, तो आप एक काम करो ना, 25 लाख रुपया तक हम ले सकते हैं कन्वर्टेबल नोट बोल करके, 25 लाख रुपया तक का कन्वर्टेबल नोट, नोट मतलब प्रोमिसरी नोट, मैं वादा करता हूं कि आपको 5 साल के अंदर मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा, तो अगर मैं 25 लाख रुपया तक ले रहा हूं बाय इशू ऑफ कन्वर्टेबल नोट विच विल बी लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी विद इन 5 ईयर। स्टार्टअप कंपनी 25 लाख रुपया तक ले सकता है बाय इशू ऑफ कन्वर्टेबल नोट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इन 5 ईयर, अलाउड है, वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। 17-18 चीज क्लियर है, जो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, मक्खन एकदम बेटा। एक एक कंसेप्ट समझाया मैंने,
मैं याद करवाता नहीं हूं, इतना अच्छे से समझाता हूं वो टच कि वो समझ दिखाई देने लगता है, विजुअलाइज होने लगता है अपने आप। रट थोड़ी ना लिए हो यार। अब यही जो बात बाकी लोग रहते हैं उन लोग का ड्रॉबैक है कि उन लोग याद उतना अच्छे से नहीं समझा सकते कि याद हो जाए, तो उन लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारा टीचर हटा दिया, ये घुमा कर लगा देना। बोला समझ में आएगा तब ना याद होगा, तेरे को समझ में नहीं आया इसलिए तेरे को याद भी नहीं हुआ, तुम भाग गया। 17 तो पॉइंट दिखाई दे रहा होगा एक एक को, जोड़ा बना बना करके। पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट, लास्ट बार 17 तो पॉइंट कमिंग अप दोस्तों। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सीजीएसई लोकल ऑथोरिटी फॉरेन गवर्नमेंट, फिर तो लोन है रे, लोन फ्रॉम बैंक। सोचो अगर अगर ये सब नहीं होता जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता, सब मोह माया रहता, सब बंद कर दो, चलो बैलगाड़ी वगैरह ये सब चलो, कहां से धंधा कहां से करेंगे रे बाबा। समझ आ रहा है, क्योंकि बैंक भी क्या लागे है, आउटसाइडर। तुम बोल रहे हो प्राइवेट कंपनी आउटसाइडर से जीरो लेगा, कैसे होगा, धंधा कैसे चलेगा। ठीक है सर, हम लोग से गलती हो गई, ये सब डिपॉजिट नहीं, और जो डिपॉजिट ही नहीं है खुलासान की तरह लो, चैप्टर ही अट्रैक्ट नहीं होगा। सत्र सीजीएसई लोकल अथॉरिटी फॉरेन गवर्नमेंट, आए सीजीएसई लोकल अथॉरिटी फॉरेन गवर्नमेंट, लोन लोन फ्रॉम बैंक पीएफआई अदर कंपनी कमर्शियल पेपर। लोन से और एक पॉइंट है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी तो डायरेक्टर रिलेटिव दोनों से ले सकता है, फिर इश्यूज का जोड़ा है। सुनो ना सुनो, इश्यू ऑफ शेयर प्रोवाइडेड द अलॉटमेंट इज मेड विद इन 60 डेज, नहीं तो रिफंड विद इन नेक्स्ट 15 डेज। इश्यू ऑफ तीन प्रकार का डिबेंचर, सिक्योर्ड सिक्योर्ड कन्वर्टेबल विद इन 10 ईयर्स लिस्टेड। धंधा एडवांस रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सप्लाई शुड बी डन विद इन 365 डेज। ये सप्लाई वाला बात भी नया है, ये मेरे मैट में नहीं है, हम लिखवाएंगे सप्लाई 365 दिन में होना चाहिए, नहीं तो लूपहोल था ना रे, बराड हो गया। सुनना रे, फिर एम्प्लॉय से ले सकते हैं एनुअल सैलरी जितना, ट्रस्ट अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट, हो गया 14 तो बस। फिर तो तीन प्रकार का कंपनी है, निजी कंपनी, चिट फंड यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टाइप का कंपनी। देखो स्टार्टअप कंपनी 25 लाख रुपया तक ले सकता है बाय इशू ऑफ कन्वर्टेबल लोन, स्टार्टअप कंपनी 25 लाख तक ले सकता है बाय इशू ऑफ कन्वर्टेबल लोन, इट शुड बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर विद इन 5 इयर्स। मक्खन एकदम 17 का 17। स्टार्टअप कंपनी क्या होता है, ये डेफिनेशन हम पहले ही बता दें स्टार्टअप कंपनी का, बार बार की सब लोग गलत पढ़ाते आए हैं, पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी का डेफिनेशन बार बार चेंज हो जाता है। अभी मैं लेटेस्ट वाला डेफिनेशन बता रहा हूं जो तुम्हारे टर्म के लिए बिल्कुल अमेंडमेंट है, नहीं समझ आया, और ये ऐसा अमेंडमेंट है जो पहले ही आ चुका है, मतलब लगभग मार्च अप्रैल महीना में आया था, तो मे 19 के लिए अप्लीकेबल नहीं हो सकता। नवंबर 19 के लिए तो मार्च अप्रैल वाला अमेंडमेंट लागू होगा ना, नवंबर दिसंबर 19 मे 20 बहुत सिंपल है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, क्या चीज का प्रमोशन सर, इंडस्ट्री का, इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड का, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल तो नहीं लिखा देखना, इंटरनल, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सुनो ये क्या बोला, स्टार्टअप कौन होता है, अ प्राइवेट कंपनी और अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। बचपन में सीखा था फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन यहां पर रजिस्टर्ड होगा तो ही स्टार्टअप का दर्जा देंगे, या तो प्राइवेट कंपनी या रजिस्टर्ड फर्म या एलएलपी, या तो प्राइवेट कंपनी या रजिस्टर्ड फर्म या एलएलपी, प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड फर्म एलएलपी, सैटिस्फाइंग ऑल द थ्री कंडीशन स्टार्टअप माना जाएगा, ऑल द थ्री कंडीशन। कंडीशन नंबर वन, इट इज विद इन 10 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विद इन 10 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन तभी ना स्टार्टअप है, 10 साल बीत गया तुम्हारा जीवन को अभी बोल रहे अभी स्टार्टअप है, within 10 years of incorporation, it should be within 10 years of incorporation. condition number 2, condition 1 hum bhi satisfy karte hain, mera company 2011 mein company khole the, within 10 years hi to hai re. condition number 2, annual turnover of any of the preceding financial year should not have exceeded 100 crore, 100 crore tak annual turnover hona chahiye, hum bhi satisfy karte hain। आज तक एक साल का टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस नहीं किया, मिला जुला करके बात नहीं कर रहा है, एनुअल टर्नओवर उसे तेरे को क्या है, शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़, संभाल रहे हैं विद इन 10 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
देखो स्टार्टअप कौन हो सकता है, या तो प्राइवेट कंपनी या एलएलपी या रजिस्टर्ड फर्म, जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, छोटी विद इन 10 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अमेंडमेंट के पहले क्या था, 7 साल था, और बायोटेक के लिए 10 साल था, बायोटेक मतलब मेडिसिन वगैरह। अभी हटा 7 की घटा, मेडिसिन बना कुछ भी कर विद इन 10 इयर्स सबके लिए। पहले 7 साल और 10 साल दो तो चलता था, अमेंडमेंट के बाद अब एक ही चलता है 10 साल। कोई अगर बोलेगा ये 10 साल तो बायोटेक के लिए है, बोले ठीक है मोहनजोदारो, ठीक है मोहनजोदारो हड़प्पा। अमेंडमेंट के पहले, पहले 7 साल अलग था 10 साल अलग था, कुछ कंपनी के लिए 7 साल था, कुछ कंपनी के लिए 10 साल। अभी 7 की घटा, मोदी जी बोले चुनाव जीतना है सबके लिए 10 साल, ऐसा करो पार्टी करो। अरे ये सब अमेंडमेंट समझ में आ रहा है, चुनाव के पहले हम बोले ना मार्च अप्रैल में आए, मई में चुनाव था, मार्च अप्रैल में अमेंडमेंट ले आया। पहले टर्नओवर कलमेंट 25 करोड़ था, पार्टी कर रहे 100 करोड़। पहले खाली बोलता था ये तेरा 25 करोड़ तक है तो ही तुम स्टार्ट बोलेगा अपने आपको, अभी बोला गया जिसका टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस नहीं किया, एनुअल टर्नओवर कभी 100 करोड़ को क्रॉस नहीं किया, वो भी स्टार्टअप बोल सकते अपने आपको, प्रोवाइडेड सारा कंडीशन सेट सही हो। तीसरा, तीसरा बोला वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट, वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एन न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट और कुछ नया, नयापन हो तुम्हारे अंदर, कुछ नया प्रोडक्ट नया प्रोसेस, या तो नया करो या इंप्रूव करो, या फिर हैविंग अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तुम्हारा बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसको जितना बड़ा हो उतना बढ़ेगा, इससे क्या होगा सोसाइटी में वेल्थ क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और मोदी जी को तो एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए ना रे बाबा। तो अगर मेरा स्केलेबल बिजनेस मॉडल है कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देन आई एम अ स्टार्टअप। नहीं समझा? कुछ लोगों को गलतफहमी रहता है कि एक बोर्ड है एमबी, इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, इससे मेरे को इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से मेरे को अगर मैं अप्लाई करूंगा वो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करता हूं। मैं अगर प्राइवेट कंपनी हूं, इफ आई एम अ या रजिस्टर्ड फर्म या एलएलपी विच इज विद इन 10 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टर्नओवर नेवर एक्सीडेड 100 करोड़, एनुअल टर्नओवर नेवर एक्सीडेड 100 करोड़, वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस, और हैविंग अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल, हैविंग अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन, तो आई एम अ स्टार्टअप, आई एम अ स्टार्टअप। इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड एक बोर्ड है, इंटर मिनिस्टेरियल इसलिए बोल रहे हैं इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, तभी तो इंटर मिनिस्ट्री। कभी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया होगा तो नहीं समझ में आएगा, जीवन में अलग अलग स्कूल आता था। इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग हैं, बोलो इस डिपार्टमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्री लोग के लोग बैठते हैं, इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड। उससे अगर अप्रूवल मिल जाए तो मेरे को तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। टैक्स के टीचर बताया होगा ये बात कि स्टार्टअप वाले लोग को ह्यूज टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से अगर अप्रूवल मिल जाए तो। बट मेरे को यहां पर आईएमबी से अप्रूवल नहीं चाहिए, मैंने तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, मेरे को कंपनी लॉ में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। संभाल लिए स्टार्टअप क्या होता है, आओ दिखाते हैं स्टार्टअप क्या होता है, एंड लेट्स मार्क। कॉपी भी खुला रखिएगा स्टार्टअप का डेफिनेशन के लिए, मैं आपको स्टार्टअप इंडिया का साइट में लेकर के जाता हूं, उसमें मोदी जी भी एकदम बहुत चकाचक दिखाई देंगे। स्टार्टअप इंडिया का साइट है startupindia.gov.in, बोलो startupindia.gov.in, ये आ गया आपका startupindia.gov.in। देखो अब नया नाम क्या हो गया, पहले क्या था डीआईपीपी, मोदी जी ने नाम चेंज कर दिया डीपीआईटी, मतलब बोले तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ व्हाट,
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दिखाई दिया? ये रहा स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट। अब मैं इसमें आपको स्टार्टअप का डेफिनेशन दिखाता हूं। जबरदस्त लग रहा है यार, नॉर्मल फोटो से हट कर गए लग रहा है, पूरा सूट बुड़े एकदम। वो तुमको जब पड़ेगा तब दिखेगा। अभी यहां पर देखो, ये देखो स्टार्टअप इंडिया दिखाई दिया क्या? नया अमेंडेड वाला डेफिनेशन, पीरियड ऑफ शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, मतलब विद इन 10 ईयर्स। या तो ये क्या है बताओ, प्राइवेट कंपनी या फिर, कम ऑन, प्राइवेट कंपनी या फिर रजिस्टर्ड फर्म या LLP, मतलब पब्लिक कंपनी तो कभी मर्करी स्टार्टअप नहीं हो सकता। एनुअल टर्नओवर कभी भी 100 करोड़ एक्सीड नहीं किया फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन, मक्खन एकदम। ये 3 कंडीशन है। ये बोल रहा है कि स्टार्टअप के लालच में, मान लो रिलायंस 10 साल से ज्यादा हो गया है, टर्नओवर भी बवाल वाला है, मान लो वो अपने आप को स्प्लिट कर दे 50 कंपनी में रिकंस्ट्रक्शन करके, और बोलेगा आज ही पैदा हुआ है, और टर्नओवर भी देखो कम हो गया। नहीं तो स्प्लिट वगैरह करके अगर तुम करोगे, ये गलत बात है, ये हमारे शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे हो तुम। तो तुम जो थे पहले, अगर तुम अपने आप को स्प्लिट कर दे रहे हो, माना नहीं जाएगा कि तुम स्टार्टअप हो। एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म बाय, क्या बताओ ना, स्प्लिटिंग अप, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। और क्या होना चाहिए देखो, शुड वर्क टुवर्ड्स, हम क्या बोले, डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट बोले थे क्या, प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस, या हैविंग अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल, पोटेंशियल ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, मक्खन एकदम। कॉपी करो ये वाला चार्ट, ये भी तो चार्ट ही है रे, लिखो जो हम लिखवा रहे हैं। स्टार्टअप डेफिनेशन, स्टार्टअप डेफिनेशन, स्टार्टअप डेफिनेशन, ब्रैकेट में लिख दो अमेंडेड डेफिनेशन। एग्जाम में अमेंडेड डेफिनेशन मत लिख करके आना, तो खाली यही लिखना है, स्टार्टअप डेफिनेशन ब्रैकेट में अमेंडेड वाला, लिख दिया अमेंडेड डेफिनेशन, डैश से करके लिखो। ऑल 5 कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड, ऑल 5 कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड, ऑल 5 कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड, हम लिखवा रहे हैं, हां डिक्टेट कर रहे हैं, ऑल 5 कंडीशंस मस्ट बी सैटिस्फाइड। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में लिखो, इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी और रजिस्टर्ड फॉर्म और LLP, थोड़ा फटाफट लिखो एकदम, इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी और रजिस्टर्ड फॉर्म और LLP, इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी और रजिस्टर्ड फॉर्म और LLP, इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी और रजिस्टर्ड फॉर्म और LLP, इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी और रजिस्टर्ड फॉर्म और LLP। पॉइंट नंबर 2, इट इज within 10 years of its incorporation, it is 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 within 10 years of its incorporation. Point number 3, its annual turnover, its annual turnover has, its annual turnover has never exceeded 100 crores. अमेंडमेंट के पहले कितना करोड़ था, 25 करोड़ था, अभी कितना है, 100 करोड़। इट्स एनुअल टर्नओवर हैज नेवर एक्सीडेड 100 करोड़। पॉइंट नंबर डी, शुड वर्क टुवर्ड्स डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट, शुड वर्क टुवर्ड्स डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट
should work towards development or improvement of product or process or service. Of product or process or service. Work towards development or improvement of product or process or service. Or have scalable business model. Or have scalable business model. Or have scalable business model. Scalable business model. With high potential of wealth creation. With high potential of wealth creation. Or employment creation. With high potential of wealth creation or employment creation. High potential of wealth creation or employment creation. With high potential of wealth creation or employment creation. With high potential of wealth creation or employment creation. Done kya? Next point number kaun sa? 5 mein likh do. Entity should not have been formed by splitting up. Entity should not have been formed by splitting up. Entity should not have been formed by splitting up or reconstruction of an existing business. Should not have been formed by splitting up or reconstruction of an existing business. Should not have been formed by splitting up or reconstruction of an existing business. याद रहेगा इस स्टार्टअप का डेफिनेशन और नेक्स्ट लाइन में लिख दो फॉर टैक्स एग्जेम्पशंस ये तुम्हारे खुद के लिए लिखवा रहे हैं जानकारी के लिए ब्रैकेट में करके लिख दो फॉर टैक्स एग्जेम्पशंस टू स्टार्टअप एप्लीकेशन टू इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड हैज टू बी मेड टैक्स एग्जेम्पशंस टू स्टार्टअप फॉर टैक्स एग्जेम्पशंस टू स्टार्टअप Application to inter-ministerial board has to be made. Application to inter-ministerial board has to be made. Application to inter-ministerial board has to be made. Under DPIIT. Application to inter-ministerial board has to be made under DPIIT. Under DPIIT. मार्किंग पार्ट में आइए मेरे बच्चों पेज नंबर 73 में आइए पेज 73 में आ जाइए ना पहले डेफिनेशन मार्क करिए ना सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बोलता है डिपॉजिट के अंदर हर कोई जो रुपया देगा वो डिपॉजिट एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बोलो एनी रिसिप्ट ऑफ मनी चाहे आप डिपॉजिट बोलो चाहे लोन बोलो चाहे कोई दूसरा फॉर्म बोलो बस पैसा आ जाए चाहे डिपॉजिट बोलो चाहे लोन बोलो चाहे कोई दूसरा फॉर्म बोलो भैया कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई और कितना प्रिस्क्राइब किया गया 17 आइटम रेडी चलो पॉइंट नंबर 1 हाईलाइट करो ए बेटा ये जो अभी पढ़ रहे हैं डिपॉजिट है कि नहीं है पहले तो इसको अच्छे से बॉक्स कर दो फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अमाउंट मे नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट ये सबको डिपॉजिट नहीं मानेंगे फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अमाउंट लॉ मेकर ने एग्जेम्पशन दिया कि तुम चाहो तो ये सबको डिपॉजिट मत मानो हाँ तो नहीं मानेंगे ऑब्वियस बात है क्लियर अब एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा मत करना यहां से 4-5 आइटम याद कर लिया बोले ये सब डिपॉजिट है ये सब एग्जाम्पल चल रहा है नहीं एक्सक्लूजन चल रहा है 17 आइटम का सर दिमाग में घर कर गया आप भी कैसा बात करते हैं अमाउंट रिसीव फ्रॉम सीजी एसजी या एनी अदर सोर्स हुज रीपेमेंट इज गारंटेड बाय सीजी एसजी बोले थे ना रे बाबा या तो सीजी एसजी से डायरेक्ट चढ़ा हुआ है मेरे को या फिर दे हैव गारंटी या फिर एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो कि आईसीएआई मान लो सी इंस्टीट्यूट मेरे को डोनेशन दे दिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सीएस वाला डोनेशन दे दिया और बच्चों को पढ़ाइए तो ये सब क्या है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तो नया क्या हुआ सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी
या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सीजीएचसी लोकल अथॉरिटी या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स, वर्ल्ड बैंक दे दिया मेरे को कुछ, वाह, या फिर पॉइंट नंबर थ्री, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, अर्जुन की तरह हाईलाइट करो, खुला सांड की तरह नहीं, मैंने क्या हाईलाइट किया, तुमने क्या किया, लोन फ्रॉम बैंक हाईलाइट किया, पॉइंट नंबर फोर, लोन फ्रॉम पीएफआई, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, लोन फ्रॉम पीएफआई, नेक्स्ट पॉइंट कमर्शियल पेपर, नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम एनी अदर कंपनी, बोले थे ना फ्रॉम एनी अदर कंपनी, बोलो ना, फिर शेयर इशू वाला बात हो रहा है, देखो एनी अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर एप्लीकेशन मनी हो, एडवांस हो, टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, पता है ना क्या कंडीशन है, हा देखो एक्सप्लेनेशन वन, इफ द सिक्योरिटीज, बोलो इफ द, जिसका मुझे क्या मिला, एप्लीकेशन मनी या एडवांस मिला ना मुझे उस सिक्योरिटीज का, अगर कैनॉट बी अलॉटेड विद इन, कैनॉट बी अलॉटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड सच एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेड विद इन 15 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ 60 डेज, देन सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, मक्खन एकदम, अमाउंट रिसीव से 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट कर दो, अलॉटमेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, फेलिंग विच रिफंड विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, नहीं किया रिफंड 15 दिन के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, ये क्या माना जाएगा डिपॉजिट, मक्खन एकदम, बस वहीं पर ये लाइन मिस प्रिंट है, इसको यहां से काट देना, पॉइंट नंबर 8 गायब है, यहां पर पॉइंट नंबर 8 लगा दो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर बाय एनी कंपनी, पॉइंट नंबर 8, अमाउंट रिसीव बाय डायरेक्टर, अमाउंट रिसीव बाय डायरेक्टर फ्रॉम विच कंपनी, फ्रॉम एनी कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर बाय प्राइवेट कंपनी, और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर बाय प्राइवेट कंपनी, और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर बाय प्राइवेट कंपनी, अमाउंट इज फ्रॉम डायरेक्टर बाय एनी कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी, लेकिन याद है इसमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये रहा देखो, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी एज द केस मे बी फ्रॉम होम द मनी इज रिसीव्ड फर्निशेस मतलब दे रहा है, नेक्स्ट लाइन, डिक्लेरेशन इन राइटिंग that the amount is not being given out of fund acquired by him by borrowing or accepting loan or deposit from others, समझ में आया, तुम जो मुझे लोन दे रहे हो वो खुद लोन लेकर के नहीं दे रहे हो, and the company shall disclose in board report, और कंपनी ये बात अपना board report में भी बताएगा, मक्खन एकदम, फिर याद है डिबेंचर से 3 पॉइंट था, सिक्योर्ड कन्वर्टेबल विद इन 10 इयर्स या फिर लिस्टेड, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज मतलब समझ आ रहा है, पहला चार्ज कि अगर एसेट बेचा जाएगा तो पहले डिबेंचर को मिलेगा, एसेट बेचेगा तो पहले, बस वहीं तक, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज या फिर ये देखो, और बॉन्ड्स और डिवेंचर्स कंपल्सरी कन्वर्टेबल इन टू शेयर्स विद इन 10 इयर्स, या तो डिवेंचर सिक्योर्ड है, डिवेंचर या तो सिक्योर्ड है या फिर कन्वर्टेबल इन टू शेयर्स विद इन 10 इयर्स, बस वहीं तक, फिर या फिर लिस्टेड है, देखो अमाउंट रेज बाई इश्यू ऑफ, हे भगवान नॉन कन्वर्टेबल है, नॉट कंस्टिट्यूटिंग चार्ज है, एक तो नॉन कन्वर्टेबल, ऊपर से नो चार्ज मतलब क्या, अनसिक्योर्ड, लेकिन लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो बच जाओगे, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, तो नाया क्या बोले, यार ये तो नॉन कन्वर्टेबल है, अनसिक्योर्ड है बट लिस्टेड है,
अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी. मक्खन बोलो ना बोलो. जो मैंने एम्प्लॉय से क्या लिया है लोन अमाउंट, बहुत बार सिक्योरिटी मनी भी तो लेते हैं ना. नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी. बट सुनो, ये इन द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए. मतलब अगर दोस्तों मैंने एम्प्लॉय से एनुअल सैलरी ही लिया उसका, बट इंटरेस्ट देता हूं, तो वो डिपॉजिट है. इट शुड बी इंटरेस्ट बियरिंग कि नॉन इंटरेस्ट. तो क्यों हम एम्प्लॉय से क्यों लेंगे सिक्योरिटी बोल करके. अरे एम्प्लॉय तुम इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, भाग भुग गया तो डैमेज कर दिया प्रॉपर्टी, तो इसलिए तेरे से सिक्योरिटी मनी ले रहे कितना साल तक का, एक साल. और उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे. अगर देंगे ना इंटरेस्ट तब वो डिपॉजिट माना जाएगा. इट शुड बी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग. वैसे ही नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन ट्रस्ट. ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब समझ आता है ना, ट्रस्टी. तो अगर मेरे को अमाउंट मिल रहा है एज अ ट्रस्ट, वो भी इंटरेस्ट वाला कि नॉन इंटरेस्ट. अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑफ द कंपनी एज एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. यार मेरा धंधा में अगर मेरे को एडवांस मिल रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, वो डिपॉजिट नहीं पक्का. बट सप्लाई शुड बी मेड विद इन 365 डेज. लिख दो बट सप्लाई शुड बी मेड विद इन 365 डेज. बट सप्लाई शुड बी मेड विद इन 365 डेज. बट सप्लाई शुड बी मेड विद इन 365 डेज. बट सप्लाई शुड बी मेड विद इन 365 डेज. फिर अमाउंट ब्रॉट बाई प्रमोटर्स. प्रमोटर से भी हम लोग लोन ले तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर अमाउंट एक्सेप्टेड बाई निधि कंपनी. याद आया निधि कंपनी. फिर चिट फंड, जिसके ऊपर चिट फंड एप्लीकेबल है, या फिर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. खाली नाम अमाउंट रिसीव फ्रॉम निधि कंपनी या फिर अंडर चिट फंड एक्ट और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. और लास्ट वाला क्या था, स्टार्टअप. कितना एक स्टार्टअप कितना रुपया तक ले सकता है, 25 लाख. 25 लाख तक का अगर अमाउंट हम ले रहे हैं कन्वर्टेबल नोट इशू करके, जो हम 5 साल में कन्वर्ट कर देंगे शेयर में, अमाउंट ऑफ 25 लाख दिखाई दिया क्या. और मोर अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं है. 25 लाख तुम खाली 25 लाख को हाईलाइट करना. रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट. कन्वर्टेबल नोट मतलब वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन कितना साल बताओ ना, 5 साल. बस वहीं पर स्टार्टअप कंपनी यहां से पढ़ोगे कि कॉपी, क्योंकि अमेंड हो चुका है. This one is not required. हट गया. फिर एलिजिबल कंपनी कहां से पढ़ोगे, सब लिखवाया हुआ है ना. एलिजिबल पब्लिक कंपनी सेक्शन नंबर कौन सा होता है बताओ ना, 76. नेटवर्थ कम से कम बोलो 100 करोड़, टर्नओवर कम से कम 500 करोड़. डन है ये सब. 73 का सबसेक्शन 1. ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं होगा. कितना जन के ऊपर बताओ, बैंकिंग, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, सर्च ऑफ द कंपनी सीजी में प्रेस्क्राइब, कंसल्टेशन आरबीआई. चार्टो को हाईलाइट कर दिया क्या, एक्सेप्शन चार्टो है बैंकिंग, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस. ऊपर से नहीं अच्छा लग रहा है ये डायग्राम देखो. बैंकिंग, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, अदर कंपनीज, ये सबको क्या बोलेंगे बताओ, बोलो बोलो ना, एग्जेम्प्टेड कंपनीज. डन है क्या. फिर सीधा यहां पर आओ. ये है 73 सबसेक्शन 2. लिख दो जहां हम लिखे हैं 73 सबसेक्शन 2. कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड. बाई कंपनी टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स. कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड बाई कंपनी टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम किस से, मेंबर्स. ये सर्कुलर जो है ना, सर्कुलर से दिखा क्या, ये रुक जा यहां पर लिख दे, एज में प्रेसिडेंट के बगल में लिख दे डीपीटी में.
पॉइंट नंबर में एज में ही प्रिस्क्राइब कर मल्टीपिटी वन, याद है 73 सबसेक्शन 2 क्या बोलता था, एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम किस से, मेंबर्स, 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से, क्लॉज ए से लेकर के नेक्स्ट पेज का एफ तक ब्रैकेट लगाओ, हम चप्पा चप्पा पढ़ा चुके हैं, पोस्टमार्टम मार्किंग भी यही है पूरा, तुमको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, खाली पॉइंट डी को हटा दोगे ऐसे क्रॉस करके, ऐसा क्रॉस कर दो, क्यों बताओ, हट गया, कैसा था आज का क्लास अब बताए नहीं, कैन आई एक्सपेक्ट डिपॉजिट का नेक्स्ट क्लास के पहले तुम पूरा ही पढ़ करके आओगे फर्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो चैप्टर खत्म कर देंगे दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में ना डिपॉजिट खाली खत्म नहीं होगा, प्रोस्पेक्टस भी चालू हो जाएगा, डिपॉजिट खत्म करने में मेरे को एक सवा एक घंटा लगेगा, तो एक घंटा क्या पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस, और फिर नेक्स्ट वीक में खत्म ये वाला मैट, नेक्स्ट वीक में ये वाला खत्म, प्रोस्पेक्टस, थैंक यू, बाय बाय।